आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप UPSC, स्टेट PCS या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों सज्जनों, वी आर स्टार्टिंग विद जनवरी 2024 विजन IAS की मंथली मैगजीन। टोटली मैगजीन 4 पार्ट में आएगी। अभी आप लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हो जिसमें हम लोग पॉलिटी प्लस IR कवर करने वाले हैं और बाकी जो भी कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स आएंगे उनमें रिमेनिंग टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पर आप लोगों को ये हाईलाइटेड PDF मिल जाएगी आफ्टर ऑल द 4 पार्ट्स आर अपलोडेड। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इफ़ यू गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैनल, वहाँ से यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन ऑल्सो। कुछ लोगों ने बोला था कि PT 365 का क्या होगा इस बार, तो विल देयर बी सम वीडियो ऑफ PT 365? तो आंसर इज़ नो। हम लोग इसको कवर करेंगे अपने जूम लाइब्रेरी में। कैसे कवर करते हैं हम लोग ना, टाइम स्लॉट्स के साथ कवर करते हैं। पहले भी कवर किया हुआ है, लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी। तो हम लोग एक टारगेट बनाते हैं कि अगले 10 मिनट में ये वाला टॉपिक हम लोगों को एक कंप्लीट करना है और उसे फिनिश करते हैं। तो इस तरीके से एक मैगज़ीन कुछ 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाती है, अराउंड 2 आवर्स पर डे के आसपास दे करके। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी, क्योंकि अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज। जब एग्ज़ाम पास में होता है ना, उस टाइम पर सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइम पर लेक्चर्स को जितना हो सके अवॉइड करो, किसी का भी। इवन ये वाली भी वीडियो अगर आपको लग रहा है कि एक लेक्चर के तौर पर, तो अवॉइड दिस वीडियो, ठीक है। इस टाइम पर सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए हम लोग जूम लाइब्रेरी पर इसके स्लॉट्स बनाएंगे, है ना। और ये डेली मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ सामने बैठ कर, कि इस टाइम के अंदर हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं, तो हर दिन 2 घंटे के आसपास। दिस इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 25th। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहो कर लो, ग्रुप में हम लोग नोटिफाई करते रहेंगे। नेक्स्ट मैगजीन जब आएगी कुछ दिन बाद, उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सारी की सारी PT 365 हम लोग जूम लाइब्रेरी पर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स नाउ। हमारे पास पॉलिटी में जो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। जिसको पता होगा कि ट्रिब्यूनल सिस्टम क्या होता है, उसके लिए तो ये जो टॉपिक है केक वॉक की तरह होने वाला है। इसके पहले माइंड मैप्स भी अवेलेबल हैं, चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसमें जनरल एक आइडिया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, कि इंडिया में इश्यूज़ क्या हैं ट्रिब्यूनल्स के, नीड क्या होती है, वे फॉरवर्ड, क्योंकि ये टॉपिक आपका मेंस का भी है ना, और कुछ रिस्पेक्टिव पुराने जो केसेस थे उसमें भी था। NGT एक बड़ा ही पॉपुलर ट्रिब्यूनल है हमारा, क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्या कुछ पावर होती है NGT की, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी कुछ अचीवमेंट्स थी, कुछ चैलेंजेस क्या हैं NGT के, सिग्निफिकेंस एंड ज्यूरिसडिक्शन। तो ये भी एक तरीका है, माइंड मैप्स भी आप कवर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिसेंटली बोला, उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल्स के नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम ए पॉलिसी। सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है नीतियाँ बनाना, ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन। जैसे पॉलिसीज इस तरीके से काम करेंगे, नेशनल स्पेस पॉलिसी, नेशनल सीड प्रोग्राम, इस तरीके से ये सब नीतियाँ होती हैं जो सरकार बनाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया था कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, ये सरकार को बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करो, आप पॉलिसीज बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई साहब, आपका काम सरकार को ये बताने का नहीं है, जो आपका काम है आप वही करेंगे। हम लोग जानेंगे भारत के अंदर ये ट्रिब्यूनल सिस्टम कैसे निकल के आया था, अभी ये जो टॉपिक न्यूज़ में था ये क्यों था। तो आसान भाषा में समझने के लिए पहले ट्रिब्यूनल्स को जान लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे जो हमारा थर्ड टीयर होता है कोर्ट्स का, है ना, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी होते हैं। इनके पास ना बर्डन होता है बहुत सारे कोर्ट केसेस का। आपको पता है ना कि देयर आर अराउंड 5 करोड़ केसेस विच आर पेंडिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर ना बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के भी होते हैं, जैसे यानी कि गवर्नमेंट के होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ के, कोई ऑफिसर हो गया, कोई IAS ऑफिसर हो गया, जो भी सरकारी टाइप के, जो ऑफिशियल्स के केसेस टाइप के होते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से इनसे संबंधित जो केसेस होते हैं ना, इनके लिए क्यों हम लोग अपने
जुडिशरी पर एक बर्डन डालें, वी शुड फॉर्म ट्रिब्यूनल्स, हम लोग एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बना देते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब कि वो प्रॉपरली जुडिशियल भी नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो जुडिशियरी के करती है वो, है ना, ताकि हमारी जो न्यायपालिका है उसका लोड कम हो जाए, है ना। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट लोगों को निकाल के लाएंगे। 1976 में हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट किया था। देर आर टू अमेंडमेंट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 42nd एंड 44th, है ना। उसमें हम लोगों ने दो आर्टिकल इंसर्ट किए थे, आर्टिकल 323A और 323B। इन दोनों में से भी आपके लिए 323A ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी भी इंपॉर्टेंट है, पर 323A की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। उसमें सिंपल बताया था कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे, ऑलराइट, और कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन चलेगा ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए, ठीक है। किस मैटर के लिए बनाया गया था, पार्लियामेंट ही बनाएगा, सेंटर पर भी स्टेट पर भी, और जो भी पब्लिक सर्वेंट्स वगैरह होते हैं ना उनका कोई ऐसा मैटर हो गया, उनका रिक्रूटमेंट का, है ना, कंडीशन ऑफ सर्विस का, उन सब के लिए। सेकंड जो था वो था 323B का। इसमें उन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट डाल दिए जैसे टैक्सेशन का, लैंड रिफॉर्म्स का। इसके लिए पार्लियामेंट भी बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है एक कानून पास करके। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है 323A कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। इसमें ना एक्सपर्ट लोगों को डाला जाता है, तो ऐसा नहीं होता इसमें कोई जज वाला व्यक्ति नहीं होगा, लीगल बैकग्राउंड से लॉयर वगैरह नहीं होंगे, मतलब लॉ बैकग्राउंड वाले नहीं होंगे, बिल्कुल होते हैं, प्लस दैट, है ना। तो पीपल ऑफ लॉ बैकग्राउंड प्लस में वी हैव सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर फील्ड ऑल्सो, जिनको हम लोग सब्जेक्ट एक्सपर्टीज पे लेते हैं। अब कौन सा एरिया वगैरह होगा उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से डिसाइड किया जाता है ना। इसमें से कुछ ट्रिब्यूनल्स के पास ना एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है। एपिलेट मतलब सिंपल अपील, आप इसके बाद कुछ और गुजारिश कर सकते हो, मतलब कि ट्रिब्यूनल ने एक अवार्ड दिया, अवार्ड मतलब फाइनल एक जजमेंट दिया अपना, इनके जजमेंट को अवार्ड बोलते हैं। तो आप इसके बावजूद भी अपील के लिए आगे बढ़ सकते हो कि यार ट्रिब्यूनल ने काम तो कर दिया, बट मुझे लगता है कि मेरा जो किस्सा था उसकी सुनवाई ढंग से नहीं हो पाई, मुझे और लोगों से सिफारिश करनी है। अपील करने के लिए आपको उससे संबंधित कंसर्न हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ आप अपील कर सकते हो, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो, बट जो जनरल है वो है क्या है, उसके कंसर्न हाई कोर्ट में, ठीक है जी। उन्होंने ये कहा था कि ट्रिब्यूनल्स हैव बीन क्रिएटेड बोथ एज सब्स्टिट्यूट ऑल्सो एंड सबॉर्डिनेट ऑल्सो, दोनों में बातों में फ़र्क होता है। जब हम बात करते हैं सबॉर्डिनेट की, तो हाई कोर्ट के नीचे की बात कर रहे हैं, दे आर सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट्स। तो एट टाइम्स अ ट्रिब्यूनल विल एक्ट एज एन इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट, एट टाइम्स एन ट्रिब्यूनल विल एक्ट अंडर हाई कोर्ट्स। सिंपल आसान भाषा में इंपॉर्टेंस क्या ट्रिब्यूनल्स की, नंबर वन जो चीज़ थी ना वो ये थी कि स्पीडी रेजोल्यूशन हो जाए, है ना। कुछ ऐसे किस्से होते हैं जहाँ पर हम लोगों को ना क्विक डिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए कोर्ट के ऊपर डिपेंड करने से थोड़ा सा डिले हो जाता है। कोई टैक्स का डिस्प्यूट हो गया, एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है ना, इसका नाम क्या है, NGT, टैक्स के लिए भी है, आप, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि ट्रिब्यूनल्स में ना हम लोग स्पेशलाइजेशन पे काम करेंगे, ओके, ऐसे व्यक्ति इसको हैंडल करेंगे जिनके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही डीप अंडरस्टैंडिंग हो। हम लोग जब डायरेक्टली बात करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में वी हैव लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज देयर, देन वी हैव मैनी मैनी जजेस। अब हो सकता है कि इसमें से कोई जज हो जो टैक्स के ऊपर एक्सपर्ट हो, बट सारे जजेस की क्वालिफिकेशन में टैक्स की एक्सपर्टीज़ का कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता ना। बट जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की, जो टैक्स वाला ट्रिब्यूनल होगा उसमें हम ऐसे लोगों को ही ऐड करेंगे जो टैक्स के मैटर को समझते हो इन डेप्थ, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड वो रहा हो या फिर उस डिपार्टमेंट में काम किया होगा। गेटिंग स्पेशलाइजेशन, केसेस कम करने हैं, है ना, और एक ही जो इनकी जो बेंचेस लगाए जाते हैं, अब बेंचेस का मतलब क्या होगा, इनका ऑफिस कि भाई ट्रिब्यूनल में कितने लोग जज बन के बैठेंगे, वो देश में हम लोगों ने जगह जगह पर सेटअप किए हुए हैं। तो उस तरीके से क्या हो गया, हमारा एक्सेस बढ़ गया लोगों का, मोर पीपल कैन रीच अप टू देम। एफिशिएंसी इन द सर्विस मैटर्स, तो जैसे हमारे पास कैट है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, ठीक है, इसमें जो सर्विस वाले मैटर्स होते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, उनको तेजी से सॉल्व करने के ऊपर काम किया जाता है। अब देखो भाई ट्रिब्यूनल से तो कंसर्न तो होगा, कुछ ना कुछ तो चिंता वाली बात भी होगी ना, इंडिपेंडेंस कम है, लिमिटेशन। आप देखोगे यहाँ पर जो टॉपिक हमारी शुरुआत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स सरकार को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप ऐसे ऐसे नीति बनाओ,
कहीं ना कहीं उनको ये बोला जा रहा है कि आप ना बिल्कुल लिमिटेशन में ही काम करो, जितना आपको बताया गया है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इनके डिसीजन मेकिंग के अंदर इनके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव भी होता है। देर कुड बी अदर एजेंसीज, देर कुड बी अदर इंस्टीट्यूशंस, देर कुड बी अदर पॉलिटिकल लीडर्स जो इनके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, इन पर दबाव डालते हैं, इंटरफेयर करते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल डोमिनेंस ना होने के कारण सिलेक्शन कमेटी में कभी कभी ट्रिब्यूनल जो होते हैं ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को वॉयलेट भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, अगर आप इसको कोट करोगे तो इस पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। केसेस पेंडिंग है हम लोगों ने जनरली देखा था, तो 2021 में AFT जो है ना, AFT क्या है आपको दिखा देते हैं स्टार्टिंग में ही, आर्म्ड फोर्स का भी एक ट्रिब्यूनल है, आर्म्ड फोर्सेस का। AFT के पास 18,000 पेंडिंग केसेस हैं। भाई जब हमने ट्रिब्यूनल ही बनाया था केसेस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, पेंडेंसी को रिमूव करने के लिए, है ना, उसके बावजूद भी 18,000 केसेस AFT के पास पेंडिंग है, क्योंकि लोगों की कमी है, दे डू नॉट हैव इनफ पीपल हु कैन वर्क। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, उनका टेन्योर कम होता है, है ना, फिर ये भी एक चीज़ होती है कि उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो बहुत बार एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है, अपना इन्फ्लुएंस, कैसे, वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई मान लीजिए एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ट्रिब्यूनल मतलब एक ग्रुप ऑफ बॉडी है जो एक पर्टिकुलर मैटर को हैंडल करेंगे, इसमें 4 लोग हैं, है ना, अब इस व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए ट्रिब्यूनल में ऐड किया गया, आफ्टर दिस ट्रिब्यूनल ये व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट में जाके जॉब भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट का कोई पर्सन, है ना, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, बोलेगा कि भाई देख तू ट्रिब्यूनल में है, मेरा ये वाला केस ना इस ट्रिब्यूनल में जाएगा, तू मेरे केस को ऊपर सॉल्व करने में मदद कर दियो, मैं तेरे को इस डिपार्टमेंट में जब तू आएगा तो तेरी प्रमोशन करवा दूंगा, तेरा ये प्रोजेक्ट पास करवा दूंगा, दिस एंड दैट। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीड टू बी वर्क अपॉन, जो भी ये तरीके इस्तेमाल करते हैं ना, प्रोसीजर्स, तौर तरीके, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी मतलब हो गया एक समानता। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि ये मेथड फॉलो किया जाएगा, पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। दे फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स दे आर नॉट फॉलोइंग यूनिफॉर्मिटी। बहुत बार जुरिस्डिक्शंस भी ओवरलैप होती हैं, है ना, जुरिस्डिक्शन मतलब वो बोलता है कि अरे यार अभी कोई ऐसा केस बन सकता है ना, वहाँ पर टैक्स का मामला भी हो गया, वहाँ पॉलिटिकल भी आ गया, है ना, वहाँ पर कमर्शियल भी आ गया, वहाँ एनवायरमेंटल भी आ गया, एक केस के अंदर सारी चीज़ें फंस गई। तो एक ट्रिब्यूनल बोलेगा ये तो हमारा मामला है, दूसरा ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं नहीं तो हमारा मामला है, तीसरा बोलेगा नहीं तो एनवायरमेंट का, तो हमारा केस है, ओवरलैप हो गया ना। तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया नहीं गया कि ये कि इस टाइप का केस कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फिर जो भी टेक्निकल मेंबर्स इनमें ऐड किए गए थे ना, उनके पास लीगल क्वालिफिकेशन थी भी या नहीं थी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। कि आपने कह तो दिया कि ये जो व्यक्ति है ये टेक्निकल इस फील्ड से बिलोंग करता है, बट मे बी उसने जस्ट वो ग्रेजुएशन में स्कूल टाइम में किया, उसके बाद वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, तो आपको इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। आगे हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग वही कर सकते हैं। देखो चैलेंजेस पे, कंसर्न्स के बाद हम क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड। तो इन द मेंस आंसर राइटिंग यू विल बी रिकमेंडिंग, यू विल बी सजेस्टिंग कि देखो ये चीज़ें हैं तकलीफ़ वाली, इनका सुझाव दे सकते हैं कि इनको बेहतर कैसे किया जाएगा। तो हम लोग इसमें इंडिपेंडेंस को एनहेंस कर सकते हैं ना, हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि लेजिस्लेचर, जिसमें कि हम पार्लियामेंट की बात कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, और एग्जीक्यूटिव जो रनिंग गवर्नमेंट है, उनका प्रभाव ना हो इनके ऊपर, ये लोग इंडिपेंडेंटली काम करें, यू नीड टू टेक स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। फिर जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने 2015 के अंदर कहा था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना देते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, उसी से सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स उसके अंडर में आ जाएंगे। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई इनका अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए ना हम लोगों को NTC बनाने की ज़रूरत है। तो ये भी एक सजेशन है कि भाई एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होना चाहिए जो इन सारे ट्रिब्यूनल्स को हैंडल करेगा। टाइम पर इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो बैकलॉग को रिड्यूस करना ज़रूरी होगा। हम लोग एक करते हैं ना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि समाज के ऊपर इस चीज़ का कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को असेस किया जाए, इस बात को मापा जाए। ऐसे ही हम लोग जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कर सकते हैं। जुडिशियल इम्पैक्ट मतलब न्यायपालिका का इस पर जो जस्टिस दिया नहीं दिया, उस बात को असेस करें, उसको मापा जाए, उसको मेजर किया जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, है ना, उसका फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, सो दैट वी विल गेट टू नो कि फ्यूचर में हम लोग किस तरीके से डिलेज वगैरह कम कर सकते हैं। फिर हमने देखा एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे थे, तो वी नीड टू पुट क्लियर इंस्ट्रक्शन कि ये वाला केस ये वाला ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा, ये वाला ये करेगा, ये वाला ये करेगा, इस तरह से।
ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशंस किसके लिए? जो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं ना उनके लिए. दे नीड टू बी ट्रेन्ड, ट्रेन्ड अबाउट हाउ टू मेंटेन द कंडक्ट. बहुत ही अहम हो जाता है वो. तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं. अब हम चलते हैं स्टार्टिंग में. अब ये थोड़ा सा न्यूज़ वाली चीज़ है. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहे थे AFT को लेकर के, है ना, कि उन्होंने डायरेक्शन दी थी गवर्नमेंट को कि भाई जो जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट खाली पड़ी है उसमें आप लोग अपॉइंटमेंट करवाइए. तो आर्म्ड फोर्सेस का ट्रिब्यूनल 2007 में आया था, है ना. आर्मी नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन सब को लेकर के जो भी कंडीशंस होती है अपॉइंटमेंट की, सर्विस वगैरह की, वो सारी की सारी AFT के पास जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल का जो हाई कोर्ट का जरिस्डिक्शन होता है अंडर आर्टिकल 226, उसके तहत वो सरकार को ये नहीं बता सकता कि आप पॉलिसी कैसे फ्रेम करेंगे. वो जुडिशरी के अंडर नहीं होता, वो चीज़ आती है पार्लियामेंट के अंदर. तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आपको आएगा, ये आएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स से. मेंस का एग्ज़ाम जब आप देते हो तो GS2 में एक टॉपिक आता है, आपका सिलेबस में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर्स. वहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस आर्टिकल 226, दिस रिसेंट एग्जाम्पल आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स के बारे में. और फिर ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी. इस पूरे टॉपिक में आपके पास प्रीलिम्स का भी डेटा है और मेंस का भी डेटा है. ये थोड़ी सी की डेवलपमेंट है, है ना. भारत में जो पहला ट्रिब्यूनल बना था वो इनकम टैक्स वाला का एपिलेट ट्रिब्यूनल बना था. एक स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट्स के पास बहुत सारे केसेस हैं, तो 42nd अमेंडमेंट में ये पास हुआ, है ना. और फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज करके बना दिया गया. उनमें क्या था कि वो पहले 26 थे फाइनेंस से संबंधित, उनको मर्ज करके 19 बना दिया गया ताकि एफिशिएंसी बेहतर हो जाए. 2021 में रिफॉर्म्स आए थे, है ना, तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को उन्होंने गवर्नमेंट ने अबॉलिश भी किया था. उनमें अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव किया था. तो डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग. 1941 में आया था इनकम टैक्स वाला, है ना, 42nd अमेंडमेंट आर्टिकल 323 है. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत की उसमें पढ़ा होगा, तो यहाँ से एक रिवीजन भी हो जाता है. दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा. मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा. 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रिलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है. 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए. 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको. कोर्ट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है. प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ. एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रिलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे. जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को. तो ये जो माइंड मैप्स हैं इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं. प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया. एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे. सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी. अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था. ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे. बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेज स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर, दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में. अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ. जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशियंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो. तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो. तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल हैं. बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स हैं जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं. कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था
लेबर वगैरह कोर्ट्स के थे, उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के, और उसके क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह, सो ऑल द कॉन्टेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टू UPSC सिलेबस, जो प्रिलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कॉन्टेंट इज ऑल्सो देयर, तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ, तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके, फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्टेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर, सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे नो डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है, एंड अपनी नीड्स के हिसाब से, इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से, 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो, कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो, तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे, तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिशी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया, तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी, देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5-pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से, देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मैंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स, उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम, आप जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं, 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3 P's में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है, 5 I's में इरीगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी, 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट इट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे, इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को कैसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं
उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चंस, और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़. देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर. डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है. ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा. उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना. ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी. इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने. अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए, तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए. कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया. तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी. फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था. इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है. तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा. अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया. ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है. जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की. उसमें एग्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो. सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है. आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना. देर आर मेनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम. तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा. यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं. GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको. तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत ईजिली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम. सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडनवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रिलिम्स में, मेंस में, याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए. प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं. ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशियंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे. ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है. तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो. देन वी हैव कोट्स वगैरह. अब जो कोट्स हैं ना, उनमें एक चीज़ दो चीज़ देखेंगे. एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारे कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं. इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स. जैसे कि अगर आप ऑफरा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वूंड्स इंटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो. इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो. मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है. लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है. देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है. तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं. बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है, एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है. तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए. तो ये आपको एडवांटेज मिलता है. और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है. अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की, और कुछ वैलिडिटी की. तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है. जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था, प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा. तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है. बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं. जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है. यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा.
जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC50 का ये यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है InstaMojo। InstaMojo सर्च करते ही आपको दो ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्टिन के साथ आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना InstaMojo या फिर UPSC हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्टिन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो। तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो विदिन 7 डेज़ आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज़ करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना, सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज़ करो, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना PRIs, उनके फाइनेंस को लेकर, क्योंकि RBI की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 2020 से लेकर और 2022 तक का जो पूरा टेन्योर था उसमें फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, कितने फाइनेंसेस ऊपर नीचे मैनेज हो रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। एक बेसिक इंट्रोडक्शन है PRIs के बारे में, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, है ना। अच्छा, जब मैं ये बातें बोलता हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा तो कुछ लोगों को लगता होगा हमें तो नहीं पता, ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कि सुन जो बंदा वीडियो बना रहा है वो बोल तो रहा है पता होगा, यानी ये आपने कुछ मिस कर दिया। कुछ मिस नहीं किया, जो बेसिक बुक्स है ना आप एक बार उनको पढ़ लोगे तो ये सब चीज़ें वहाँ गिवन है। अगर आपको लगता है कि यार आपने थोड़ी तैयारी भी कर ली बट ये चीज़ें आपने कभी देखी नहीं, इसका साफ साफ अर्थ ये है कि आपने बेसिक बुक्स अभी नहीं पढ़ी हैं। 1992 में देश में एक बड़ी कमाल की चीज़ हुई थी, सरकार ने कहा कि हम लोग ने एक अमेंडमेंट लेके आते हैं और हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, उसके लिए हमारे संविधान के पार्ट 9 में हमने एक आर्टिकल ऐड कर दिया 243। यहाँ से पंचायत जो थी वो लोकल गवर्नमेंट बन जाती है और वो स्टेट का सब्जेक्ट बन जाती है। पहले हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट के ही अंदर हम लोगों ने सेंटर स्टेट, स्टेट के अंदर हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट बना दी जिसे हम लोगों ने बोला पंचायत का कॉन्सेप्ट। फिर वो म्यूनसिपैलिटीज एंड ऑल दैट थिंग्स गॉट मैनेज्ड। भारत में 2,62,000 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखो इस बात का ध्यान रखना, भारत में जो गांव है ना दे आर मोर देन 6.5 लाख, 6.5 लाख से ज़्यादा गांव है देश में, और हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कितने हैं 2.6 के आसपास। संविधान के अंदर हम लोगों ने पंचायत को ये भी कहा कि आपको पैसे भी तो मैनेज करने होंगे ना, कहीं से तो रिवेन्यू भी कलेक्ट करोगे, तो हमने संविधान में कुछ आर्टिकल्स दे दिए। आर्टिकल 243H में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी ना वो पंचायत को कुछ पैसा ग्रांट में देगी। ग्रांट का वो पैसा होता है जिसका कोई रिटर्न नहीं करना होता आपको। जब हम बात करते हैं कि लोन मिलेगा तो जी लोन में हमेशा आपको रिटर्न करना होता है पैसा। जैसे ग्रांट्स होती है ना, ग्रांट्स का मतलब जैसे योर लाइक इट्स लाइक योर पेरेंट्स दे आर गिविंग यू द पॉकेट मनी कि जाओ खर्चा करो, वैसे ही द स्टेट गवर्नमेंट इज़ गिविंग सम पॉकेट मनी टू दी पंचायत्स। और वो कहाँ से दिया, फ्रॉम द CFS। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। आर्टिकल 243I बोलता है कि हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनेगा जो फाइनेंशियल पोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सलाह देगा। 283 का Clause 3 Subclause BB बोलता है कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा कि किस तरीके से स्टेट का जो ये फंड है इसमें हम लोग रिसोर्सेज कैसे ऐड करेंगे। तो दीज टू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्पॉर्टेंट तरीके से डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि समाज का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, है ना, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है समाज का, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए टाइम टू टाइम वी नीड बेटर डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सरकार की जो स्कीम्स होती है ना उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कोई तो अथॉरिटी चाहिए ना, कोई तो बॉडी चाहिए, वो PRIs का काम होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हैं, 17 गोल हैं हमारे 2015 से लेकर 2030 तक के। देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम ये दे दिया किसको,
नीति आयोग को दे दिया, बट वेन इट कम्स टू द लोकल लेवल कौन हैंडल करेगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनका विकास करना, विमेन एम्पावरमेंट, आई थिंक द मोस्ट क्रूशियल वन, और लाइक इट्स लाइक पनीशिया, है ना, एक रामबाण वाली चीज़ होती है ना, एक तीर उससे बहुत सारे इलाज हो जाते हैं। तो महिला का सशक्तिकरण भी होता है PRI से, क्योंकि सीट वगैरह रिजर्व होती हैं। प्राइमरी और क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, भाई गाँव के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, है ना, तकनीक से संबंधित कोई भी विकास करना होगा वो गांव में लोगों तक कौन पहुंचाएगा? भाई गांव के अंदर जो पियोन वाला जो काम होता है, जो नोटिस पर्सन होता है ना, जो चौकीदार होता है, उसको इन्फॉर्मेशन कौन देता है? PRIs देते हैं कि भाई जाओ, आज का तुम्हारा काम है कि गांव में सबको जा करके एक बार ऐसे इन्फॉर्म करके आ जाओ कि ये काम होने वाला है। तो दैट्स इज एवरीथिंग इज़ बीइंग मैनेज बाय द PRIs। इसलिए ये गाँव को, पूरे स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास कुछ हमारे संविधान में आर्टिकल्स भी हैं, बट इसके अलावा कहाँ कहाँ से पैसा आता है? ज़मीन के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है ना, वहाँ से पैसा आता है। फिर कोई भी सामान वगैरह एक्सपोर्ट होता है ना, उसके ऊपर एक नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू आता है। ये तो आप समझते होंगे ना कि ये जो रिवेन्यू था ये टैक्स से आया, ये वाला जो रिवेन्यू था ये नॉन टैक्स था। टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, ये कुछ लोगों को जिनको नहीं पता होगा, टैक्स मतलब कर। फिर कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा भेज देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट पैसा भेज देती है, है ना, और कुछ टाइड ग्रांट्स होते हैं। टाइड मतलब कि भाई इतना पैसा आएगा एजुकेशन के लिए। कुछ अनटाइड होते हैं कि जनरली बस दे दिया कि ठीक है भाई ये पैसा रख लो, जो भी लमसम रिक्वायरमेंट होगी छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। फिर कुछ पैसा जो होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड वाली जो चीज़ है ना, वो पिछले कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कि आप बेहतर परफॉर्म करोगे तो आपको और पैसा मिलेगा। इससे क्या होता है, कंपटीशन होता है आपस में, देश में, गाँव के अंदर। आई सॉ दिस थिंग हैपनिंग रियल इन माई ओन विलेज। मुझे याद है हमारे गाँव में, हमारे गाँव के वहाँ पर पड़ोस में दूसरा गाँव है, बहुत डेवलप्ड है। हमारे गाँव वालों ने इस चीज़ को देख देख करके और थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी जगी कि हम अपने गाँव में क्या कर सकते हैं। आई रियली ऑब्जर्व दिस थिंग हैपनिंग। फिर कुछ ऐसे देश, ऐसे गाँव भी होते हैं जहाँ पर ना स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको सरकार कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए कुछ पैसा देती है। फिर सरकार अपनी गवर्नमेंट की स्कीम से, मनरेगा, प्रधानमंत्री, है ना, आवास योजना, इन सब के तहत भी पैसा भेजती रहती है गाँवों के अंदर। वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा भेजता है। तो अलग अलग सोर्स हैं पंचायत के पास जहाँ से उनके पास पैसा आता रहता है। इन फाइनेंस को लेकर के हमारे PRIs के पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि हम बहुत हद तक ग्रांट के ऊपर ही रिलाई करते हैं कि पैसा आएगा, कोई देगा, इसका एक रहमत की तरह देना पड़ता है, कोई रहम करेगा हमारे पे तो हम कुछ काम कर पाएंगे। सो यहाँ से ना प्रॉब्लम आती है इंडिपेंडेंस की, आज़ादी नहीं मिल पा रही पूरी पूरी। 95% पैसा ग्रांट से ही आ रहा है, वो भी ऊपर वाली सरकार से। तो अगर ऊपर वाली सरकार पैसा दे रही होगी तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी देगी, कुछ काम भी करवाएगी अपने हिसाब से। हमारे पास ना डेटा नहीं है कि पैसा कहाँ कहाँ से आया, कितना आया। इतना स्किलफुल स्टाफ है नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा मेंटेन कर ले। 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा पता चला था कि जो ऑडिटिंग रिपोर्ट थी ना, वो सिर्फ 46% की आई थी। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप आसान भाषा में बोलो तो, एक तरीके से मॉनिटरिंग करना, है ना, इन्वेस्टिगेशन आप बोल सकते हो, पूरा चेक करना कि कितना पैसा आया, कहाँ पर पैसा गया, उस प्रोसेस को ऑडिटिंग बोलते हैं। तो ये पाया गया कि सिर्फ 46 ग्राम पंचायत के पास ही ऑडिटिंग हो पाई थी। फिर हमारे जो टैक्स वाले रिवेन्यूज़ होते हैं ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतने लोग देते नहीं टैक्स, ऐसा स्टाफ नहीं है जो जाकर के टैक्स कलेक्ट कर पाए। फिर टैक्स ना एक तरीके का ना पनिशमेंट सा साउंड करता है। इस चीज़ को बहुत हद तक अंग्रेज़ों ने, द ब्रिटिशर्स ना, दे मेड इट लाइक इट इज़ अ पनिशमेंट टू अस। तो पीपल आर बिकमिंग हेजिडेंट ऑल्सो, एक रिलक्टेंस दिखाते हैं टैक्स भरते हुए। पीपल ट्राई टू फाइंड वेज टू रन अवे फ्रॉम द टैक्स। करप्शन होगा जब इतना है स्किलफुल स्टाफ नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, रिलायंस ग्रांट पर ज़्यादा है, परफॉर्मेंस बेस्ड जो रिवेन्यू है वो कम है, तो करप्शन अपने आप आ जाएगा। मिसयूज होता है ना, कुछ कुछ अपने निजी काम के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा देखा गया था जो विजयवाड़ा वाला एरिया है ना, वहाँ पर बिना परमिशन के तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास पैसा जो था वो अपने पर्सनल गेन के लिए डायरेक्ट कर लिया गया था। फाइनेंस कमीशन जो होता है ना स्टेट का, उसमें ये देखा गया था कि रेगुलरली सिर्फ ऐसे 9 स्टेट्स ही हैं जो स्टेट फाइनेंस कमीशन टाइमली बनाते हैं, और उसमें से सिर्फ 2 एक्टिव रहते हैं। तो ये एक रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की रिपोर्ट का एक डेटा है। तो इस तरह के डेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर आपको शॉर्टकमिंग्स भी दिखानी होती हैं कि दीज आर द शॉर्टकमिंग्स एंड वी नीड टू वर्क ऑन देम। तो
सरकार ने इस इकोसिस्टम को और बेहतर करने के लिए ना कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। एक इनिशिएटिव था ई ग्राम स्वराज, फिर था ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब यूं तो देखा जाए तो टॉपिक अपने आप में पूरा पूरा एक है ये, बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक होता है ना आपका पंचायत वाला, फाइनेंस इन पंचायत का, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो फाइनेंस का देख लेते हैं। देखो एक क्लाइमेट फाइनेंस का क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, वो क्लाइमेट को लेकर के इतना पैसा जा रहा है तो ये एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट होता है। देन फाइनेंस को लेकर के आपका 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, इस पर दो बार मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देन भारत का जो फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है डिजिटल फाइनेंस का, वो कैसा है, राइट। फिर स्टेट के अपने फाइनेंसेस कैसे होते हैं, उसमें भी रिपोर्ट वगैरह होती है, हा? तो स्कीम वगैरह होती हैं, ये कुछ माइंड मैप से आप पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, नीचे डाउनलोड कर सकते हो। जब पंचायती राज की बात आती है ना तो पंचायत वगैरह जो होती है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे कैसे काम करती है, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने पढ़ लिया कि पंचायत राज के फाइनेंसेस कैसे होते हैं, ये RBI की रिपोर्ट से आ गया। पैरेलल टॉपिक्स क्या बनते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है पंचायती राज को लेकर के, तो मिनिस्ट्री का साथ में है ना। उसके अलावा सर्विस डिलीवरी में पंचायत का क्या रोल होता है, आप देख रहे हो ना, सिमिलैरिटी देख पा रहे हो टॉपिक्स के अंदर। तो ऐसे साथ में टॉपिक पढ़ते रहोगे ना तो ये माइंड मैप्स में गिवन है, तो आपकी मेंटल क्लैरिटी बनती रहेगी, अच्छा ये भी एक पॉसिबिलिटी है टॉपिक की। अब आगे करें क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, तो बजट का सपोर्ट तो देना पड़ेगा, है ना, ये तो देखना पड़ेगा कि इनके पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए इतना पैसा हो। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ना जो फंड के सोर्सेज है ना, सोर्सेज उनका डाइवर्सिफिकेशन, किसका, सोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन। हम लोगों ने देखा था कि 95% ग्रांट से आ रहा है, इसको कम करना पड़ेगा, बाकी जो से बढ़ाना पड़ेगा। देन स्किलफुल लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, उनमें अच्छी बेहतरीन स्किल्स होनी चाहिए, ऑडिटिंग टाइम पर हो, पता चले कि वही 40-50% भी ऑडिटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो हर बार 5 साल बाद किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, फंक्शंस होते हैं, है ना, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है बट आप लिख लो कीवर्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, राइट। तो ये भी एक चीज़ बनती है, गांव के लोगों को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, दिस इज़ लाइक ए कीवर्ड। तो ऐसे 400 के आसपास कीवर्ड्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। ये चीज़ें आंसर राइटिंग में बहुत काम आती हैं, ये हैवी कीवर्ड्स होते हैं, ये एकदम से एग्जामिनर की ना अटेंशन खींच लेते हैं अपने पास, और ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि आगे स्टेटमेंट का मतलब क्या होने वाला है। तो दे आर लाइक बोल्ड पॉइंट्स, दे आर लाइक स्टॉप पेजेस, जहाँ पर एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते रुक जाता है एकदम से, और थोड़ा सा अटेंशन देता है आपको, समय देता है आपके आंसर को, समय दे रहा है मतलब वो नंबर भी देगा फिर, क्योंकि वो क्यूरियस है जानने के लिए आपने क्या लिखा है। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक में आपको कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स की मिली है, जैसे ये बेसिक हो गया है ना। देन मेंस के लिए मैंने आप लोगों को कुछ और भी माइंड मैप्स दिखा दिए हैं, उनको भी पैरेलली पढ़ो ताकि मेंस की भी तैयारी पूरी हो। एग्ज़ाम तो मेंस का ही क्लियर करवाएगा, प्रीलिम्स तो बस आपको रोक सकता है, बट सिलेक्शन तो मेंस दिलवाता है ना असली। टॉपिक नंबर 1.3 में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि मिशन के बारे में। तो स्वनिधि में हम लोग बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। 2014 का एक कानून बनाया गया था, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने बताया कि इसका प्रोसेस को ना इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला था, जो ग्राफ था इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा नीचे आ गया था, इसलिए उन्होंने एक पोर्टल भी एस्टेब्लिश किया था, एक मॉनिटर करने का भी एक पोर्टल एस्टेब्लिश किया था 2014 में। इस एक्ट को जब बनाया गया था तो उस चीज़ को हम लोग जानने के लिए पहले ये जानने थे कि स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं। आसान भाषा में आपको पता होगा कि जैसे जहाँ पर भी आप रहते हैं, आप किसी मोहल्ले में रहते हैं ना, किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो अपना सामान बेचने के लिए कुछ जो उनको बोलते हैं ना हम लोग ठेला वगैरह बोलते हैं, रेहड़ी ठेला वगैरह बोलते हैं, उन पर वो कुछ सामान बेचने के लिए आते हैं, है ना। तो वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है और वो जगह जगह घूमते रहते हैं। भारत में 50 लाख से ऊपर इस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, UP में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी, और मोर देन 38 लाख सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। सर्टिफिकेशन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, नाउ देयर इज़ अ रिकॉर्ड, इनका एक रिकॉर्ड है और इनका एक रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, दैट मीन्स दे कैन बी रेगुलेटेड, है ना, इनको बेहतर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है, एंड दीज आर द पीपल, दे हैव हायर चांसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ एनी स्कीम ऑल्सो, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम इनके लिए लेके आती है तो। फिर इनको लेकर के ना कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी। नाउ कमिटीज़ का काम अगेन क्या होता है, किसी भी कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना, है ना, उनको फर्दर फिर इम्प्लीमेंट करना,
ये सब काम होते हैं कमिटीज़ वगैरह के। और इस तरह के वेंडिंग मार्केट्स भी बनाए गए थे, आप लोगों ने देखा होगा ना सिटीज़ में कभी कभी वीकली मार्केट्स चलते हैं कि भाई ये तो बुध बाज़ार है ना, ये शनि बाज़ार, तो उस पर्टिकुलर डे पर शहर में एक एरिया के अंदर उन सारे वेंडिंग वालों के लिए एक स्पेस क्रिएट कर दिया था कि यहाँ पर आप लग के शाम को अपने सब ये ठेला रेडी लगाओ और आप लोग यहाँ पर ज़्यादा बिक्री करो। तो एक गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉइंट्स बनाती है, मार्केट्स बनाती है ताकि उनकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो सके एंड द सोसाइटी जिसके आसपास वो होते हैं उनको अवेयरनेस रहती है कि अच्छा इस दिन पर ये बहुत सारा सामान मिलेगा, तो लोग उसका एडवांटेज भी लेते हैं। तो ये स्ट्रीट वेंडिंग होगी, गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी ताकि जो भी लोग इस तरह का व्यापार करते हैं ना उनको कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इनको कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे, राइट्स दिए जाएंगे। तो उनको कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई कि आप जिम्मेदारी से काम करेंगे, है ना, तो जितना भी आपको टाइम शेयरिंग पीरियड वगैरह होता है उसके बाद अपना सामान अपने गुड्स वगैरह आप वहाँ से हटाएंगे भी। शहरों में होता है ना बहुत सारे, भाई आप स्ट्रीट फूड की ही अगर बात कर लेते हो, है ना, द स्ट्रीट फूड वेंडिंग मशीन इज़ देयर, तो उनका एक टाइम पीरियड होता है ना कि आप वहाँ से उसके बाद अपनी रेहड़ी वगैरह आप वहाँ से हटा लेंगे और उस जगह की आप साफ़ सफाई भी रखेंगे, है ना, वहाँ क्लीनिंगनेस मेंटेन करना है, पब्लिक हाइजीन, और वहाँ पर जो नियम कानून वगैरह होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना होगा। एंड सिंस आपको वो जगह लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा दी गई है तो आपसे कुछ पर्टिकुलर चार्जेस भी लिए जाते हैं, आप वो चार्जेस भी पे करेंगे। उसके साथ साथ वेंडिंग कमिटीज़ वगैरह बनाई गई थी जो कि हर एक लोकल अथॉरिटीज़ के साथ होती हैं। सर्वे होता है, हर 5 साल में एक सर्वे किया जाता है। अच्छा, इस तरह के ना सवाल आपके प्रीलिम्स में बन जाते हैं, कब कैसा सर्वे हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स, है ना, तो किस किस को सर्टिफिकेट देना है, किसको नहीं देना, इसके 5 साल में एक रजिस्ट्री बनाई जाती है, उसको अपडेट करते हैं, पुराना कोई ऐसा पर्सन जिसका नाम लिस्ट से रिमूव करना हो, क्योंकि कुछ लोग अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लेते हैं ना, तो उनको लिस्ट से निकालना हो, है ना, न्यू लोगों को ऐड करना हो लिस्ट में। एक सीलिंग लिमिट लगाई है, सीलिंग लिमिट का मतलब होता है अपर लिमिट लगाई गई थी कितने नंबर ऑफ वेंडर्स होंगे, तो हर एक शहर के अंदर जितनी पॉपुलेशन होगी ना उसका 2.5% के आसपास ही उनको दिया जाएगा, क्योंकि उनके जोन बनाए जाते हैं, उस जोन के हिसाब से इतने लोगों को ही गवर्नमेंट ने काम अकोमोडेट कर पाएंगे। नाउ इट कम्स की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, तो यहाँ पर ग्रीवेंस की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स कंप्लेंट वाली, शिकायत दर्ज करने वाली जो रिड्रेसल कमेटी होती है ना, तो ये राज्य के द्वारा ही स्थापित की जाएंगी ना, और उसमें एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है ना जुडिशरी, उसको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी। सो गवर्नमेंट ने एक्ट के थ्रू बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। फिर सीज्ड गुड्स, कभी कभी सरकार कुछ चीज़ों को जब्त भी कर लेती है ना, तो नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं, नॉन पेरिशेबल मतलब कि जो खराब नहीं होंगे, खराब नहीं होते हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उनको विद इन 2 working days रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पेरिशेबल चीज़ होती है जैसे कि कोई फ्रूट्स वगैरह हो गए भाई, कोई है ना जूस वगैरह हो गए और मिल्क टाइप की चीज़ें हो जाती हैं कुछ, तो वो एक दिन में ख़राब हो जाएंगी, तो जिस दिन उनका क्लेम होगा ना उसी दिन इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। चैलेंजेस कैसे होते हैं, अगेन टॉपिक हमारा क्या था, उन्होंने कहा था स्लो पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इम्प्लीमेंट हो रहा है बट बहुत धीरे से, तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी। सिर्फ 17 ऐसे राज्य थे जहाँ पर उन्होंने शिकायत वाली कमेटी को एस्टेब्लिश किया था, है ना, टाउन वाले जो कमेटीज़ थी वो तो अभी तक फॉर्मुलेट भी नहीं हो पाई थी। फिर जहाँ पर बात की गई थी कि हम लोग एक अपर लिमिट लगाएंगे 2.5% के आसपास तक की, वो बहुत बार दिल्ली मुंबई के लिए एडिक्वेट नहीं है, तो दिल्ली मुंबई नीड मोर, है ना, दे नीड मोर मोर दीज सर्टिफिकेशंस ऑफ वेंडिंग, है ना, दैट इज़ दे नीड लाइक दे नीड मोर देन 2.5%, सॉरी मोर देन 2.5 का ऐसे आएगा, दे नीड मोर देन 2.5%। रेलवेज का जो ज़मीन होता है ना उसको और उसके आसपास का जो एरिया था इसको बाहर रख दिया गया था, तो क्योंकि वो एरिया पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, और ये वाली चीज़ कौन देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये प्रॉब्लम था। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक समानता देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो वहाँ का म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ होती, लोकल अथॉरिटीज़ होती, उनके तहत रेगुलेट करते हैं। जो BMC है, BMC बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना भी होगा, न्यूज़ में अक्सर बना रहता है, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग देता था, है ना, वो देता था 2022 तक डोमिसाइल के बेसिस पर, डोमिसाइल मतलब रेजिडेंस के बेसिस पर, कि आपका रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए उसके अंदर, है ना। लेकिन 2014 का जो एक्ट था उसमें उन्होंने कहा कि डोमिसाइल है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। तो आपने देखा ये BMC का एक अलग रूल चल रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक समानता नहीं बनी हुई थी। अच्छा मुझे बताना, मैंने जैसे मैं ये दो तरह से पेन को यूज़ करता हूँ, एक तो ये वाला पेन होता है हाईलाइट वाला, इसमें क्या होता है कि व्हेनेवर यू टाइप लाइक दिस ये गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली,
एक ये पेन होता है कि जो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, ये बॉक्सेस वगैरह बन गए है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लिखी जाती हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि भाई ये वाली जो चीज़ होती है कि कितने साल में होता है, ये प्रीलिम्स में आएगा है ना, जुडिशरी थर्ड पिलर, तो आपको ये वाली हाईलाइट चाहिए या फिर वो वाली हाईलाइट चाहिए नॉर्मल वाली जिसमें मैं बस ये कलर करता हूँ और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करता हूँ हाईलाइट ऐसे, तो अगर मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी है ना। एक काम करेंगे, जैसे मैं पहले पीडीएफ अपलोड कर रहा था ना, जैसे ये वाली जो पीडीएफ, जैसे ये इतना हाईलाइटेड आपको मिलता ही है कि येलो वाले में ये टाइटल है ना, फिर ये सब टाइटल है इसमें लाइट ब्लू में, और ये जो रेड में अंडरलाइन होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब आप रिविजन करेंगे तो आप इससे इसका इस्तेमाल करें। तो ये तो मैं डालता हूँ, पोस्ट करूँगा ही, अगर किसी को ये वाली पीडीएफ भी चाहिए हो ना जिसमें ये रेड में भी लिखा है, ये लोग मुझे फिर पर्सनली कॉन्टैक्ट करके ले लेना, ठीक है, मैं पर्सनली दे दिया करूँगा ये वाली। तो कैसे कॉन्टैक्ट करना है, टेलीग्राम चैनल पता ही है, नीचे लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल में जब जाते हो ना तो उसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऊपर डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे वहाँ से यू कैन कॉन्टैक्ट द एडमिन, यू कैन आस्क एडमिन, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ बातें ऐसी होती हैं जो आपको काम की होंगी। अब हम क्या करें, गवर्नमेंट ने ये तो बता दिया कि भाई इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले देखो ऐसा ना, यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन ना इसी तरह से बन के आएगा, ऐसे मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल, यूपीएससी ये बोलेगा कि बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करें, तो जब आपका आंसर राइटिंग होगा ना, आंसर राइटिंग में आपको कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे कि अगर हमें वे फॉरवर्ड लिखना हो तो उसमें लिखो वे फॉरवर्ड में कि बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो सीलिंग वाली बात थी ना उसको रिवाइज़ किया जाए, क्यों, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा शहर कौन सा है, कौन से मेट्रो रिक्वायर मोर, मेट्रो नीड्स मोर, और मोर भी कितना, मोर देन 2.5% उनको चाहिए भाई, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये तो वो कह रहे कि अगर कोई नीति वगैरह बनानी हो, आपको कानून बनाना हो तो इस ग्रुप से भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालेगा। रेलवे स्टेशन में थी तो वट वी कैन डू, वी कैन टॉक टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना, उनको भी ऐड कर सकते हैं। देन स्मार्ट सिटी मिशन के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए ना, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया है ना, उस कम्युनिटी को उस उनके प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर दिया जाएगा, तो दिस इज़ लाइक व्हाट आर वी डूइंग हेयर, वी आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। उन्होंने मॉडल वेंडिंग जोन्स बनाए थे, मॉडल वेंडिंग जोन्स का मतलब क्या होता है कि तरीके से आप सैम्पल एक फ्रेमवर्क एक ढांचा बना देते हो है ना, तो जैसे एक प्रोसेस था लाइट हाउस प्रोजेक्ट का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का, उसी तरीके से हम लोग मॉडल वेंडिंग जोन्स भी बना सकते हैं। अगेन दीज आर आइडियाज पुट अप, कि ऐसा ट्राई कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा उसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर एक्ट के बेनिफिट के लिए, बट हमने एक और सजेशन दे देना है कि यहाँ पर तो स्ट्रीट वेंडर्स का भी तो वेलफेयर होना चाहिए ना, उनका भी तो भला जुड़ा होना चाहिए, उनको स्मार्ट कार्ड दे सकते हैं, अगेन यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है ना, और जिसमें उनके आईडी कार्ड्स वगैरह होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एंडिंग, पेपर वर्क को साइड कर दो, गिव देम स्मार्ट कार्ड्स, एवरीथिंग इज़ गेटिंग स्मार्टर ना, यूज़ ऑफ आईओटी है ना। अब देखो आईओटी का जो टर्म है ना, ये आपके प्रीलिम्स में आ चुका है, एवरी पर्टिकुलर एग्जामिनर नोज आईओटी क्या होता है, तो आप सिंपल लिखने की जगह ना आप लिखोगे ना इश्यूएंस ऑफ स्मार्ट कार्ड, उसमें साथ में ही वर्ड ऐड करो यूज़ ऑफ न्यू टेक, यूज़ ऑफ आईओटी, आंसर राइटिंग में थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स एंड इनोवेटिव वर्ड्स लेके आ सकते हो। पुलिस फोर्स को सेंसिटाइज करो, लोकल बॉडी ऑफिशियल को सेंसिटाइज का मतलब क्या हो गया ना, टू मेक देम अवेयर, मेक देम अवेयर एंड इन्वॉल्व देम, इनको साथ में इन्वॉल्व कर सकते हो, कैसे, इस एक्ट के तहत उनका ट्रेनिंग करिकुलम में उनको लेके जा सकते हो कि उन लोगों को कैसे ट्रीट करना है, ऑल द स्ट्रीट वेंडर, दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि कभी पुलिस वाले अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके बिहेव करें, कभी कभी स्ट्रीट वेंडिंग वाले भी अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाकर के बिहेव कर सकते हैं, तो दोनों को ही ट्रेन करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हर बार पुलिस वाला सही है, हर बार स्ट्रीट वेंडर ठीक है, दोनों की बातें सही भी हो सकती है, दोनों की बातें गलत भी हो सकती हैं, तो हमें दोनों को ही सही तरीके से ट्रेन करना होगा। वी कैन हैव अ चार्टर, चार्टर का मतलब क्या होता है, फरमान होता है ना, हम एक से एक फरमान जारी कर सकते हैं है ना, उसमें हम लोग बताएंगे कि भाई किस समय तक कौन सा इशू, वो बेसिकली ये क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं चार्टर में, क्या करते हो आप ना, कुछ एसओपीस बना देते हो है ना, स्टैंडर्ड सेटअप कर देते हो आप कि भाई ये रूल ने ऐसे ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, दे आर लाइक सम प्रोटोकॉल्स है ना, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई इस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, इतने टाइम के अंदर आप सर्टिफिकेट दे दो, इतने टाइम में रिन्यू कर दो है ना, और क्या कुछ चीज़ें आप कर सकते हो एवरीथिंग, तो ये बेहतर रहेगा। सो दीज आर सर्टेन रिकमेंडेशंस, तो ऐसा सा हो जाएगी एक नई वाली पीडीएफ जो आपको मिलेगी पर्सनली है ना, तो रिवीजन के टाइम पे आई थिंक कुछ हेल्प कर जाएगा आपको, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए ना, ये वाली काला लेयर बहुत सारा रेड वाला, तो इसके लिए पर्सनली ले लेना, बाकी जो नॉर्मल है वो तो मैं आपको चैनल पर पोस्ट कर ही दूंगा।
Now in the topic number 1.4, we will be talking about the revamped scheme for administrative reforms. अब administrative reforms के अंदर बहुत हद तक हम लोग government की governance के बारे में बात करेंगे, सरकार अपना काम किस तरह से कर रही होती है, और revamp का मतलब क्या हो गया, कुछ changes किए गए हैं, आसान भाषा में बदलाव किए गए थे। तो government ने recently कुछ funds का approval भी दिया था कि ठीक है भाई पैसे भी और चाहिए होंगे, तो एक scheme है with the department of administrative reforms and public grievances. पब्लिक ग्रीवेंस मतलब शिकायत, ग्रीवेंस वर्ड का मतलब होता है शिकायत, कंप्लेन। तो ये जो स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने रिलीज़ किया था, ये स्कीम है इंप्लीमेंट होगी 2024-25 से 2025-26 तक, जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन का साइकिल है उसमें। अब इस स्कीम के दो वर्टिकल्स बनाए गए थे, ठीक है, दिस इज़ द नंबर वन वर्टिकल एंड दिस इज़ द नंबर टू वर्टिकल। उन्होंने कहा हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पब्लिक ग्रीवेंसेस, जनता की जो शिकायत वगैरह होती है, उन सब के ऊपर काम करेंगे। अब इसमें ना जनता के साथ साथ ना दोनों चीज़ें ऐड करके चलो, यहाँ पर जनता का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं खुद वो भी, और पब्लिक की भी कोई डिमांड हो सकती है। तो उसमें फिर छोटी छोटी चीज़ें क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, यूनिफाइड रिट्रेसल होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता अगर बढ़ाएंगे। एक स्कीम लाए थे कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव लेके आएंगे, तो उसके लिए जैसे हमारा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड थे, है ना, इंटरनेशनल एक्सचेंज कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं। होने वाला क्या है ना कि हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, बेसिकली जो हमारे पब्लिक ऑफिसर जो हो गए सरकारी, है ना, उन लोगों को दूसरे देशों की गवर्नमेंट के साथ कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम में कि ठीक है यहाँ से मान लीजिए 50 इंडियंस जो होंगे दे विल बी गोइंग टू जर्मनी, ठीक है, वहाँ पर कोई इनकी वर्कशॉप वगैरह हो सकती है, वहाँ पर दे विल बी लर्निंग कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उनके कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी होता है ना ये सब। एक वी हैव वन थिंग, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो मॉनिटर मतलब जो नज़र रखता है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का, तो ये 2007 से है, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 24/7 चलेगा ऑनलाइन है तो, और इसमें RTI का कोर्ट से संबंधित और रिलीजियस मैटर्स, इनकी शिकायत आप नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कोई शिकायत होगी ना आपकी सरकार के साथ, है ना, उनके सर्विस डिलीवरी को लेकर के, तो आप इस सिस्टम पर जाके कंप्लेन कर सकते हो, बट आपका RTI का मैटर होगा, कोर्ट वाला मैटर और रिलीजियस मैटर, वो यहाँ पर आप शिकायत नहीं कर सकते। तो सरकार ने क्या किया था 2022 में ना, CP ग्राम के अंदर कुछ 10 स्टेप्स के बारे में बात की थी। 10 स्टेप्स में उन्होंने क्या कहा था कि यूनिवर्सलाइज कर दो, है ना, तकनीक को लेके आओ, लैंग्वेज ट्रांसलेशन होना चाहिए, भाई हमारी ऑफिश जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, है ना, 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, उन सब में होना चाहिए, साथ में इंग्लिश में भी होना चाहिए। एक इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स में आप क्या करते हो, रैंकिंग करते हो, फीडबैक का कॉल सेंटर होना चाहिए, वन नेशन वन पोर्टल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा नहीं कि हर राज्य का अलग अलग हो, पूरे देश का एक होना चाहिए। इंक्लूसिविटी आउटरीच, है ना, लोगों को ट्रेन करो, कैपेसिटी क्षमता बढ़ाओ, चीज़ों को सब मंथली रिपोर्ट्स वगैरह बनाओ, डेटा स्ट्रेटजी यूनिट, है ना, डेटा स्टोरेज में एवरीथिंग। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किए थे। सिंपल टॉपिक है, रिवैम्प्ड स्कीम है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से काम करे, तो इसमें कुछ फंड्स वगैरह और ऐड कर दिए गए थे, और ये स्कीम वाला टॉपिक है, ये आपको इस तरीके से याद रखना होगा। इस टॉपिक में ना आपको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, इट इज़ बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। अब प्रीलिम्स में किस तरह के सवाल पूछेगा UPSC, मिनिस्ट्री कौन सी है, है ना, और ये जो CP ग्राम वाला था इसके अंदर UPSC क्या करेगा, इसमें RTI मैटर भी अलाउ होते हैं, कोर्ट मैटर नहीं होते, रिलीजियस मैटर अलाउ होते हैं, क्या करेगा, कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देगा आपको। मेंस में UPSC क्या करेगा, ओवरऑल आपका जो GS2 है ना, वहाँ पर जो गवर्नेंस वाला होता है उससे संबंधित एक सवाल बना देगा UPSC यहाँ पर आपसे, और पूछेगा कन्फ्यूज़ करने के लिए, हाँ भाई बता क्या चल रहा है ना, कैसे ला रहे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो वहाँ पर आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल एंड ईजी टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट पर। सो न्यूज़ इन शॉर्ट में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ड्यूअल सिटीजनशिप को लेकर के। देखो भारत के अंदर इंडिया में वी हैव सिंगल सिटीजनशिप ओनली, ठीक है, कुछ देशों के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, जैसे US हो गया, फिनलैंड, अल्बानिया, इसराइल, पाकिस्तान, ये करते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफर नहीं करता, प्रोहिबिट करता है। तो उसके अलावा लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, है ना, वो लोग OCI बन सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स बन सकते हैं, कि भारत के ही नागरिक हैं लेकिन ओवरसीज दूसरी जगह पर रहते हैं अभी, है ना, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, है ना, और ऐसे एक्सक्लूडिंग दोज वो जो माइग्रेट कर गए थे, उनके अलावा लोगों के पास एक ऑप्शन होता है OCI वाला। OCI वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास OCI वाला कार्ड होता है तो क्या मतलब हो सकता है, वो अलग अलग कार्य के
से संबंधित मल्टीपल टाइम्स इंडिया में आ सकता है, जा सकता है, है ना। उसको फुल टाइम एक वीज़ा मिल जाता है भारत में रहने के लिए, है ना। लोकल पुलिस अथॉरिटी के पास उसको एक रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। और पैरिटी विद NRIs, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनके साथ उनको एक पैरिटी, मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी की बात, इक्वालिटी के फीचर्स उनको मिल जाते हैं। विदेशी जो नेशनल्स होते हैं ना वो अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो जो हु वॉज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26/1950, यानी कि वो पुराना डेटा चेक करती है गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा ये तो पता होगा ना सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये छोटी मोटी बेसिक बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि भारत के लिए जो ये ड्यूअल सिटीजनशिप है ना, ये एक चैलेंज के तौर पर है, हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, US के अंदर क्या होता है कि उनको ना स्टेट की भी सिटीजनशिप भी होती है उनके पास, और उनके पास कंट्री की भी होती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हो तो फिर आपको, सॉरी मतलब मध्य प्रदेश के हो, जैसे जम्मू कश्मीर का तो 370 वाला था तो लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए, इसलिए मान लो आप मध्य प्रदेश के हो तो ऐसा नहीं होगा आपको मध्य प्रदेश की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और इंडिया की अलग से, आपके पास एक ही सिटीजनशिप होगी, दैट इज़ यू आर एन इंडियन, सिंपल फिनिश। US में ऐसा नहीं होता, आपको अलग अलग स्टेट का भी लेना पड़ता है। अगर दो सिटीजनशिप हो जाती हैं तो एक तो दूसरी कंट्री का भी अलाउ हो जाता है, तो आप दो कंट्री के पासपोर्ट ले सकते हो, है ना। दोनों कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में आप शामिल हो सकते हो, राजनीति वाली चीज़ों में, है ना। और घूमने फिरने के लिए आपको वीज़ा में कोई बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता, है ना। दूसरे देश में आपके लिए एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जहाँ का आपके पास सिटीजनशिप होता है वहाँ का आपका एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल अफेयर्स बड़े ईजी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक लीगल सर्विसेज की कमेटी है, है ना। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिसेंटली अब इसके लिए बनाया गया था। अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है मेड वाया लॉ, यानी कि इसको कानून बना करके एक एक्ट पास किया गया होगा, उसके बाद इसको बनाया गया था, राइट। तो हमारे पास एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, उसके तहत इसको बनाया गया था। तो जो फ्री लीगल सर्विस करने का एक एम होता है, है ना, इसके पैटर्न इन चीफ हमारे CGI होते हैं इस कमेटी के। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन इज फ्री लीगल सर्विसेज कहाँ पर है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, DPSP में है, या फिर हमारे फंडामेंटल की राइट में है। मेरा आपसे सिंपल सवाल है और आपको आर्टिकल के साथ मेंशन करना पड़ेगा, या तो फंडामेंटल ड्यूटी में है कि भाई सबकी जिम्मेदारी है कि सबको फ्री लीगल सर्विस मिलनी चाहिए, या फिर DPSP में कि सबको फ्री लीगल सर्विस मिलनी चाहिए, या फिर फंडामेंटल राइट है हर नागरिक का। आप मुझे बताओगे कि फ्री लीगल सर्विसेज तीनों में से कहाँ मेंशन है, कमेंट सेक्शन में। जिसको आता होगा वही बताना, जिसको नहीं याद वो मत बताना, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आता है प्रीलिम्स में। सुप्रीम कोर्ट एन्यूल्स द रेमिशन इन बिल्किस बानो केस। एन्यूल करने का मतलब क्या होता है, एंड। तो 11 जो कन्विक्ट थे, कन्विक्ट का मतलब होता है कि देखो, एक होता है एक्विट, एक होता है कन्विक्ट, अलग अलग तरह के टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। गुजरात गवर्नमेंट, ये तो केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि बिल्किस बानो वाला जो केस था, उसमें एक पुरानी स्टोरी है कि बिल्किस बानो एक, मतलब एक पर्सन को रेप कर दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा, उनको सज़ा सुनाई गई थी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा कि जो लोग सज़ा में थे, जिनको सज़ा दी हुई थी, उन लोगों का बिहेवियर बहुत लंबे समय तक ठीक ठाक था, तो गवर्नमेंट ने उनको रिलीज़ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात इज़ नॉट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन रेमिशन पिटीशन एज द ट्रायल वॉज कंडक्टेड इन महाराष्ट्र, दस द रेमिशन ऑर्डर्स वर हेल्ड टू बी इनवैलिड। सर, गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग इन 11 लोगों को छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई, इनका मुकदमा तो महाराष्ट्र में चला था, तो आप कहाँ से आ गए इनको रेमिशन देने के लिए, ठीक है। रेमिशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ सेंटेंस, आपकी सज़ा को कम कर दिया जाता है, ठीक है। स्टेट मे रिलीज द कन्विक्ट्स, कन्विक्ट मतलब होता है जो दोषी होते हैं, जिनको दोषी करार दिया जाता है। संविधान के अंदर रेमिशन के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन किया गया ना, दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स, ये UPSC पूछ लेता है। आर्टिकल 72 में बात की गई थी, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, है ना। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रेमिट, एक एक का मीनिंग आप सब पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास होती है पावर, यानी कि ये स्टेट रीजन के अंदर, ठीक है। तो उसमें बस एक चीज़ होती है कि जहाँ जहाँ तक एक स्टेट की पावर होती है ना, वहीं तक कर सकता है वो गवर्नर, और कैपिटल पनिशमेंट के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। फिर हमारे पास जो 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें भी बताया गया था कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है उनके सज़ा को कम करने की, ऑलराइट। लेकिन सेक्शन 433 ये बोलता है कि रेमिशन होगा सिर्फ 14 साल के इम्प्रिजनमेंट के बाद, ओनली आफ्टर दैट। इन्हीं चीज़ों पर ना, ये प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
प्रीलिम्स। यहीं से सवाल बन के आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे यूपीएससी सवाल पूछ लेगा आपसे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट भी आए हैं इस बात को लेकर के, रेमिशन को लेकर के। लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 ग्राउंड्स यानी कि 5 कंडीशन होंगी जहां पर आप रेमिशन दे पाओगे। ऑफेंस अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्राइम बीइंग रिपीटेड, पोटेंशियल ऑफ कन्विक्ट टू कमिट क्राइम्स इन फ्यूचर इफ एनी पर्पज इज बीइंग सर्व्ड बाय कीपिंग द कन्विक्ट इन प्रिजन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कन्विक्ट फैमिली। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ देखनी पड़ेगी, इस व्यक्ति ने जो काम किया है, अपराध किया था, वो सोसाइटी को किस हद तक इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, क्या ये व्यक्ति दोबारा से वो अपराध को दोहराएगा तो नहीं, वो भी चेक करो। ठीक है, पोटेंशियल क्या है कि वे भविष्य में कोई, मतलब एक तो अगर रिपीट करे, एक होता है भविष्य में कोई दूसरा क्राइम तो नहीं कर देगा, फिर इसको जेल में रखने से कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चीज़ें चेक करोगे आप। इस व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो कैसे चल रही है। 2021 का एक स्टेट ऑफ हरियाणा का भी केस था, तो कोर्ट ने कहा था कि CRPC कैन नॉट एंड डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अब CRPC तो एक्ट है, संविधान बड़ा होता है, ठीक है, तो संविधान के पास, संविधान ने पावर दी होती है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, तो स्टेट ऑफ हरियाणा वाले केस में कोर्ट ने कहा कि भैया CRPC के पास संविधान से बड़ी पावर नहीं होती, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर जो यहाँ पर बताई गई है, दैट इज सुप्रीम देन टू दी CRPC। तो छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। एक पैनल है फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग दी SCS। तो इक्विटेबल मतलब समांतर तरीके से, बेनिफिट मतलब क्या हो सकता है, जो भी प्रॉफिट एडवांटेज देना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, ठीक है, कि भाई जो भी शेड्यूल्ड कास्ट को देश भर में जो भी फायदे मिलने होते हैं, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से, उस बात को जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी होगी। कमेटी किसके अंडर है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगेन ऐसी चीज़ों पर क्या बनते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, है ना। एक इनिशिएटिव है हमारे, कुछ 1200 शेड्यूल्ड कास्ट हैं नेशन वाइड, ठीक है, और सिंपल चीज़ें हैं। इसमें कुछ लीगल प्रेसिडेंट्स भी थे कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मेंस में शायद बन सकता है, मे बी, है ना, ये मेंस वाली चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको यहाँ पे मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, मैं एक बार हल्का हल्का आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 341 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कम्युनिटीज़ रिकमेंड करेगा किसको रिजर्वेशन देना नहीं देना, ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। किसके पास पावर होती है, कौन रिकमेंड करेगा, सी प्रेजेंट द पावर टू क्रिएट अ लिस्ट। अब प्रेजिडेंट के पास लिस्ट कहाँ से आएगी, एग्जीक्यूशन की तरफ से आती है ना, प्रेजिडेंट को लिस्ट कौन पकड़ाता है। 2000 तो उसमें एक केस आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सब कैटेगराइजेशन करते हो ना स्टेट के द्वारा, तो राइट टू इक्वालिटी का वायोलेशन होता है। ओके फाइन, फिर एक स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस था 2020 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई SC को ST को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलना होगा ना, वो ऑलरेडी नोटिफाइड, मतलब द लिस्ट जो होगी ना ऑलरेडी नोटिफाइड वुड नॉट अमाउंट टू टिंकरिंग विद इट, स्टेट्स कुड डू इट। आपने एक लिस्ट बना रखी है, उसके बाद स्टेट उसको चेंज करने की अगर कोशिश कर भी रहा है, तो कितना उसको बेनिफिट मिलना है नहीं मिलना, वो इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि लिस्ट बड़ी हो गई तो आप समान जो भी बेनिफिट दे रहे थे, एडवांटेज दे रहे थे, वो कम कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई क्या कुछ देने वाले हो लिस्ट के अंदर, वो अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी नोटिफाई कर चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उसको बदल नहीं सकते, इफ़ द रिक्वायरमेंट इज देयर यू कैन चेंज इट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो यही वाला था, EV चेन्नैया वाला, क्योंकि जो केस अगर ये क्वेश्चन बनता है ना मेंस में, तो आपको एक या दो केसेस याद करने होते हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको, इतना ही काफ़ी रहेगा। देन वी हैव MP LADS। MP LADS का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो है उसकी एक ई साक्षी, साक्षी जो वर्ड होता है, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें, साक्षी भाव मतलब विटनेस, एक तरीके से विटनेस कह सकते हो आप। तो उनकी एक एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, ठीक है, क्यों, इस स्कीम को ट्रैक करने के लिए। ये स्कीम आपकी ऑलरेडी इन प्रीलिम्स आ चुकी है, एक बार ही पूछा जा चुका है UPSC के द्वारा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि 100% जो पैसा आएगा वो आएगा हमारी गवर्नमेंट से, कौन सी गवर्नमेंट से, सेंट्रल से, सेक्टर का ये बेनिफिट होता है, स्पॉन्सर वाली में वो डिवाइड हो जाता है स्टेट के साथ में। तो MP LADS स्कीम में क्या होता है कि हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, उनको कुछ पैसा मिलता है ताकि वो अपने एरिया में, जिस एरिया से वो MP बन के आए थे, उस एरिया में कुछ डेवलपमेंट करवा सकते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था, एजुकेशन का, ठीक है। तो उसमें से 15% जो होता है वो जाता है शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के लिए, 7.5% जाएगा ST के लिए। ये थोड़े डेटा है, ये इंपॉर्टेंट होता है,
ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए याद करनी होती है, ऐसे ही सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्कीम का कि नॉन लैप्सेबल होता है, यानी कि अगर पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ तो अगले साल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस आई थिंक ये स्टेटमेंट आया था प्रीलिम्स में कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एटलीस्ट 10% काम चेक करना पड़ेगा हर साल में कि वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। सोशल ऑडिट के एडवाइजरी बॉडी, मैंने इसी वीडियो में बताया ना सोशल ऑडिट क्या होता है, तो पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी मतलब क्या होगा, सलाह करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के अंडर इसको बनाया गया था, अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है किस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या बनाया जाता है, पूछ लेता है यूपीएससी। ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आएगा, ठीक है। इनका काम क्या होता है, गाइड करता है ये मिनिस्ट्री को कि भाई सोशल ऑडिटिंग कैसे करनी है। सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या हो गया, सिंपल आपको एग्जामिन करना है कि कोई स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है नहीं और उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो लोगों को इसमें ऐड करते हैं, है ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि लोगों तक जानकारी जा रही है नहीं जा रही है ना, लोगों का पार्टिसिपेशन है यानी भागीदारी है यानी, और लोगों की सुरक्षा के ऊपर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं, है ना, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है, सोशल ऑडिट टीम बनती है, बेनिफिशरीज़ को चेक करते हैं कौन कौन हिस्सेदार हैं, स्टाफ कौन सा है, प्राइमरी रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी सब कुछ चेक किया जाता है। तो सोशल ऑडिट जो होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये मनरेगा स्कीम के लिए ही पॉपुलर है, उसमें सोशल ऑडिटिंग की जाती है। ये अपने आप में एक मेंस का टॉपिक भी बनता है, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो मेंस टॉपिक, और इसको आप मोस्टली रिकमेंडेशन में लिखते हो वे फॉरवर्ड में कि सोशल ऑडिटिंग भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक जो होता है न्यूज़ इन शॉर्ट का ख़त्म होता है। मुझे लग रहा है कि ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा छोटा मोटा। और ना ये मैं जब बिल्कुल ये चैनल स्टार्ट हुआ था ना यूट्यूब पर, तब मैं ये सब चीज़ें लिखा करता था, वो ऐसे ही रहा करती पीडीएफ में, फिर मैंने बंद कर दिया था। और अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे और इंप्रूव हो जाएगा, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा ना, मेरे को इसमें अब मैं दोबारा से रिकॉल कर पा रहा हूँ कि अच्छा जैसे ये वाला पॉइंट लिखना सही रहा ना, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ताकि जब आप रिवाइज़ करोगे आप ध्यान दोगे कि अच्छा फिर मैंने यहाँ लिखा कि ऑलरेडी इन प्रीलिम्स पहले पूछा जा चुका है। आगे आगे जब मैं बढ़ता चलूँगा ना, तो मेरी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी, और कहाँ पर मुझे क्या लिखना है ताकि आपको रिवीजन के लिए वो याद रहे, वो ऑटोमेटिकली मैं बेहतर करते हुए चला जाऊँगा। तो इवन इस मैगज़ीन के एंड तक भी आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि यार, क्योंकि मैं साथ में डेटा ऐड करता रहूँगा ना, तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी, साइड के पैरेलल पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द आईआर सेक्शन, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। एक और भी नैम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ओके। तो वो एक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें बहुत सारे जो APMCs होते हैं वो एक नेशनल मार्केट क्रिएट करते हैं अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, 2016 में आया था ये एक मूवमेंट थी, नेशनल अलाइंड, नेशनल क्या क्या मैंने गलती से, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। तो रिसेंटली उगांडा का एक जगह है, वहाँ पर ना उसका नाम है कंपला, वहाँ पर एक 19th समिट हुआ था। समिट वर्ड का मतलब होता है पीक, और पीक का मतलब जनरली क्या होगा, वहाँ पर टॉप लीडर्स ही प्रेजेंट होंगे। ऑलराइट, तो इन चीज़ों को छोटा छोटा ना एक वर्ड्स को ब्रेक करना सीख जाओ आप लोग। इसकी थीम वगैरह ये सब को जानने से पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि भाई ये मूवमेंट है क्या। अब देखो हुआ ये था कि इंडोनेशिया में एक जगह वहाँ पर है, उसका नाम है बांडुंग। तो 1955 में वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें मेजरली फोकस जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर जनरली आप अगर हम आसान भाषा में बात करें तो USA और USSR यानी कि रशिया और अमेरिका के बीच में चल रहा था, ठीक है। तो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इनके बीच में ना एक इंडिपेंडेंस का भी स्ट्रगल चल रहा था। ऑलराइट, तो आइडिया था कि ना अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे नीदर विद द USA नॉर विद द USSR, ठीक है। और जो कुछ मिलिट्री ब्लॉक्स भी थे, नेटो का था, वॉर्सो पैक्ट भी था। अब इसमें ना कुछ सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था उन्होंने, जब भी कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने कहा था हमें कुछ 10 सिद्धांतों के ऊपर काम करेंगे, और इसी को इन लोगों ने बांडुंग कॉन्फ्रेंस पे नाम दिया था। इसमें 121 देश हैं जिसमें भारत भी आता है, इसके अलावा इसमें 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, 18 कंट्रीज और जो उसके ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। एक ना पंचशील एग्रीमेंट था जो 1954 का है इंडिया और चाइना का, तो इसकी जो पॉलिसी है ना नैम की, नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो इसके हिसाब से है। अब नॉन अलाइन को और आसान भाषा में समझोगे तो कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं करते। वीके मेनन जो थे उन्होंने 1953 में ये टर्म दिया था, फिर भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू
उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था एक नॉन अलाइन मूवमेंट के तौर पर। तो इन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, ठीक है, हम लोग संप्रभुता में, एकता में, है ना, और इंटीग्रिटी में, अखंडता में, इन सब में बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि यूएन का जो चार्टर है, जो फरमान है, उसके हिसाब से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा और सभी के पास अपने सेल्फ डिफेंस के राइट्स हैं। किसी दूसरे देश का कोई मामला होगा, अंदरूनी मामला होगा, हम लोग उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि एक या दो देश ही दुनिया को ना चलाएं, यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि बाइलेटरल से हट के, ठीक है, हम लोग मल्टीलेटरल की तरफ चलना चाहते हैं। और जहाँ पर भी बात होगी ना कोऑपरेशन की, यानी कि सहयोग की, वहाँ पर हम लोग बातचीत से काम करेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो उसी का एक 19 समिट हुआ था जिसका थीम था इस बार का डीपनिंग द कोऑपरेशन, ठीक है। हमने, इन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन को थोड़ा और मजबूत होने की ज़रूरत है। एंड 2030 का जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है ना, जिसमें हम वी हैव 17 गोल्स टिल 2030 तक, उनको मजबूत करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है AAA का, तो ये भी एक फ्रेमवर्क था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी फाइनेंशियल फ्लॉस चल रहे हैं ना उनको इम्प्रूव किया जाएगा, तो इसका नाम है अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इसराइल ने जो जिस तरीके से एक एग्रेशन दिखाया था गाज़ा पट्टी पर, इसकी निंदा करी थी उन्होंने, कंडेम किया था कि भाई इतना नहीं दिखाना चाहिए, उसमें जो सिविलियंस है दे आर ऑल्सो डाइन, अगर की गवर्नमेंट की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो या तो आपके पास कुछ डिक्लेयर्ड और वेरीफाइड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं तो आप उन पर अटैक कर दो, बट जहाँ सिविलियंस मर रहे हैं वो चीज़ तो बहुत गलत है। अब नैम को जिस तरीके से काम करता आया है, ठीक है, लेकिन नैम के साथ ना बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, क्योंकि इंडिया ने कहा था जब कोल्ड वॉर के टाइम पे इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ना यूएसए की साइड रहेंगे ना यूएसएसआर की, हम लोग सेंटर में रहेंगे, अलग से रहेंगे। इसमें ना एक चीज़ और आती है, एक होता है कि आप अलाइन भी नहीं कर रहे हो, दूसरा होता है कि आप न्यूट्रल हो, ये दो चीज़ें होती हैं। तो नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी में दो डिफरेंस होता है। नॉन अलाइन में हम अलाइन नहीं कर रहे, मतलब ये एक राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि न्यूट्रलिटी की, दैट इज़ आई एम नॉट पॉजिटिव नॉट अगेंस्ट, ये एक कानूनी कॉन्सेप्ट बन के आता है, लीगल कॉन्सेप्ट बन के आता है। तो जो संविधान होता है ना उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि आप अलाइन करेंगे नॉन अलाइन नहीं करेंगे, लेकिन जब भी राज्य की अपनी कोई नीतियाँ बनाई जाती है ना तो उसमें आप न्यूट्रलिटी को एक मेंशन कर सकते हो प्रॉपरली। तो अगर इसमें चैलेंजेस फेस क्या कर रहा है नैम, ठीक है, जो वर्ल्ड है ना वो चेंज हो रहा है। अभी नैम जो था ना वो बनाया गया था दो के बीच में, वन ऑन वन के बीच में, जब जो लड़ाइयाँ चल रही थी उनसे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, खुद के अपने भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स के लिए। अब जो वर्ल्ड है ना वो मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है, इसमें इंडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि अब कुछ अलाइंसेज और निकल के आ रहे हैं जो प्लूरीलेटरल में है, जैसे कि क्वैड बन गया चार कंट्रीज़ का, I2U2 बन गया। देखो अब क्वैड पर भी क्वेश्चन आ चुका है, I2U2 पर भी, है ना, तो दे आर लाइक इन PYQs हैं आपके ये मेंस में, अगर आप देखोगे IR का सेक्शन। ऐसा कोई भी नया ग्रुप जो बनता है ना IR का, हमेशा वो PYQ बन के आएगा। तो IR तो आपको एकमात्र चीज़ जो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जो लोग इससे रिवाइज करेंगे, कि प्रिपेयर फॉर मेंस इन IR सेक्शन ओनली फ्रॉम विजन मैगजीन, इनफ, ठीक है। मेंस का जब प्रिपेयर करना होगा ना IR का, सिर्फ विजन मैगजीन करो, इनफ, इनफ मतलब इनफ। एक चीज़ और, सेम अप्लाइज टू साइंस एंड टेक ऑल्सो। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें नंबर भी काफ़ी होते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं इनके लिए। तो IR के कितने आते हैं, आई थिंक 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 10 नंबर के, 2 15 नंबर के, सिर्फ विजन की मैगजीन से कवर हो जाता है वो। आपने विजन का सारा कवर कर लिया ना, तो अगर 4 में से मान लीजिए 3 तो डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, एकदम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन, जो डायरेक्ट आपकी विजन में टॉपिक होगा। एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो ना UPSC थोड़ा सा ट्रिकी क्रिएट करेगा, ठीक है, एक जो क्वेश्चन होगा वो आपने जब विजन का पूरा कंप्लीट कर लिया होगा ना, तो इट विल बी सॉल्वेबल, यू विल नो, आपने अच्छे से आंसर राइटिंग की होगी ना, आपको ना आंसर क्रिएट करना आएगा फिर, तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार ये बहुत टफ दे दिया, और आपने वो नाम भी सुना होगा उस क्वेश्चन के बारे में। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने इस टॉपिक के टॉप पर ही लिख दिया है ताकि जब आप रिवाइज करोगे आपको याद रहेगा कि दो टॉपिक तो ऐसे पूरे पूरे विजन मैगजीन से आते हैं। ओके, तो बहुत सारे नैम के ऐसे मेंबर्स भी हैं जो सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, स्टेट कंट्रोल को, है ना, वो US पर डिपेंडेंट है। फिर ASEAN बन गया, है ना, SCO बन गया, शंघाई कोऑपरेशन, ब्रिक्स बन के आ गया, ये रीजनल चैलेंजेस को फोकस करते हैं। क्लाइमेट चेंज एक नया मुद्दा निकल के आ गया है। इस पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर ना एक प्रॉब्लम आती है, वो है लीडरशिप वाली। इंटरनली बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं, मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को ये लीडरशिप की प्रॉब्लम और भी क्यों क्यों है ना।
एंड आजकल के जो जियो पोलिटिकल एजेंडाज है ना, वहाँ पर इनकी प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं चल पा रही है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना नैम के बारे में, दे हैव नो फाउंडिंग चार्टर, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। मतलब कि कोई इनका ऐसा कोई बेसिक हेडक्वार्टर नहीं है जहाँ पर परमानेंट ऑफिस बना हुआ हो इनका। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन रेज करता है, इनका स्ट्रक्चर ही फिक्स नहीं होता है नैम का। लेकिन आज के समय के अंदर ना इसकी रेलिवेंस बहुत है। रेलिवेंस का मतलब क्या हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। क्यों, उसको जानने की कोशिश करते हैं। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें वी हैव व्हाट वी हैव P5, इसमें USA है और रशिया इज़ देयर, देन वी हैव UK, देन वी हैव फ्रांस एंड वी हैव चाइना, ये पांच इसको लीड करते हैं। तो इसको डेमोक्रेटिक बनाना बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए नैम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सोवर्निटी, संप्रभुता को बचाने के लिए, कि भाई हर एक कंट्री अपना खुद डिसाइड कर सकता है। देखो नैम का ओरिजिन तो सोवर्निटी से आया था ना, इंडिया ने कहा था कि हम लोग अपने हिसाब से रहेंगे, हमें आप डिक्टेट मत करोगे क्या करना है। तो एक दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और कॉलोनाइजेशन को और इंपीरियलिज्म से बचने के लिए, कॉलोनाइजेशन तो पता है आप लोगों को, कॉलोनीज बनाई जाती हैं, ब्रिटेन ने बहुत बनाई थी। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जो रिच होते हैं ना, रिच कंट्रोल करते हैं पुअर कंट्रीज़ को, रिच कंट्रीज ट्राई टू कंट्रोल द पुअर कंट्रीज़, इंपीरियलिज्म का। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो अंग्रेज़ों ने बहुत इस्तेमाल किया था। साउथ साउथ कोऑपरेशन इंडिया का बहुत ही स्पेसिफिक आइडिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को साथ आना चाहिए, इसमें भी नैम का बहुत रेलेवेंस है। मल्टीलेटरिज्म हम लोगों ने समझ लिया है ना, डिप्लोमेसी पे काम आता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में। एंड एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव एटीट्यूड। ये एक कीवर्ड है आपका, दिस इज़ योर आंसर राइटिंग कीवर्ड, इसका इस्तेमाल कीजिएगा अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। और ऐसे ही 400 से ज़्यादा कीवर्ड जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, ठीक है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उनसे आप लोग अपने एग्जाम में और रेलिवेंट आंसर बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो ये नॉन अलाइनमेंट वाली है, लेकिन इसको डेड नहीं होना चाहिए, इसको एक्टिव होना चाहिए, यानी कि दे शुड फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, दे शुड वर्क ऑन द मच नीडेड सॉल्यूशंस। अगेन दीज आर ऑल्सो योर, ये भी आपके आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स ही होते हैं। इनसे एग्जामिनर जब इनको पढ़ता है ना, वो रुक जाता है सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, अच्छा, बिकॉज ये ना पॉज क्रिएट करते हैं रीडिंग में, कीवर्ड्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब आप देखोगे तो नैम को ना खुद को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है ना, ठीक है, द नैम नीड्स टू रीडिफाइन इट्सेल्फ, अपने आप को रीडिफाइन करेगा, अपने आप को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है नैम को। किस तरह से, दे नीड टू कम अप विद द प्रोएक्टिव एटीट्यूड, है ना, दे नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड टू वर्क ऑन द बेसिक सॉल्यूशंस। तो रेलिवेंट हो सकता है एज लॉन्ग एज कोई एक्सप्लोटेशन ना हो, वॉर वगैरह ना हो, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव अनदर सिंपल टॉपिक, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, IFC IOR। तो रिसेंटली एक मर्चेंट वेसल का एक केस हुआ था, तो उसको लेकर के IFC IOR ने बहुत ही अहम योगदान किया था। दिसंबर में हम लोग ये टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, सिक्योरिंग मैरिटाइम ट्रेड रूट्स, तो वहाँ पर भी इसके संबंध में कुछ बात की गई थी, आप लोग जा करके देख लो, पिछले महीने की वीडियो है, चैनल पर मिल भी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर अगर आप देखोगे तो यहाँ मेजरली फोकस इन्फॉर्मेशन पर ही किया जा रहा है, दिस इज़ द कीवर्ड हेयर, यानी कि सूचना शेयर करेंगे। जैसे कि एक सिमिलर सी चीज़ आप लोगों ने देखी होगी ना, सिमिलर सा एक कॉन्सेप्ट है अबाउट द 5 Eyes Alliance, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। तो UPSC में गेम होता है कीवर्ड्स को क्रैक करने का, आप इस टॉपिक से सब कुछ समझ जाओगे कि भारतीय जो ये पूरा हमारा इंडियन ओशन है ना, इसमें ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और यहाँ पर कुछ मर्चेंट वेसल की बात कर रहे थे, यानी कि कोई नाव वगैरह होगी जो मर्चेंट वाली होगी। अब आगे ना क्वेश्चन कुछ बनता है ना, आपके दिमाग में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा ना कलेक्ट हो जाता है, अच्छा मुझे मैरीटाइम पे बात करनी होगी, मुझे मैरीटाइम की सिक्योरिटी पे बात करनी होगी, मुझे इंटेलिजेंस पे बात करनी होगी, मुझे इंडियन ओशन के बारे में बात करनी होगी। इमीजिएटली आपका ब्रेन जो होता है ना, रजिस्टर्ड मेमोरी में से चीज़ें पिक करना स्टार्ट कर देगा। तो 2018 में हमारा जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर था ना, उसने IFC IOR बनाया था। इसमें इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों मिलकर काम करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है।
और बेसिकली इन्होंने कहा था कि ये लोग ना वाइट शिपिंग एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं हमारे, जिसमें इंफॉर्मेशन आती है कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल की। वाइट का मतलब हो गया ना एक तरीके से जहाँ पर चीज़ें वॉयलेंट ना हो, पीसफुल हो, यानी कि ऐसे व्यापार वाले जो होते हैं ना शिप्स वगैरह, उनका जो डेटा वगैरह होता है उन सब पे काम करते हैं। तो इंडियन ओशन रीजन और आसपास के जो समंदर एरिया है वहाँ पर है, 25 देशों का इसमें डायरेक्ट योगदान है जो पाया जाता है। चार सेक्टर हैं, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी और अपना बे ऑफ बंगाल वाला ये रीजन है। तो इनको मार्क देम ऑन मैप, जब भी आप मैप देखोगे ना तो इस एरिया को ध्यान में रखना। एक वर्कशॉप भी होती है, वर्कशॉप में क्या करते हैं आप, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, प्रोग्राम्स कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग अपने पूरा जो समंदर वाला एरिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। फिर हमारा एक प्रोग्राम इनिशिएटिव है भारत का सागर, है ना, जहाँ पे हम कहते हैं कि सबकी सिक्योरिटी और ग्रोथ हो। हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई रॉबरी वगैरह तो नहीं हो रही है ना, स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं। लॉजिस्टिकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं सरकार के, है ना, बाकी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्रीमेंट, अप्रूवल, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं, डिज़ास्टर के समय रिलीफ देने की कोशिश। वेदर का फोरकास्ट होता है ना, हर मंथ में कभी कितना क्या कुछ होने वाला है। तो इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में ये कैसे हेल्प करता है ना, भारत के जो दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते बनते हैं उसमें, भाई देखो यूएसए, फ्रांस हो गया, इन सब ने ना अपना इंडिया को एक पार्टनर बनाया हुआ है। तो इनके भी जो सेंटर्स हैं ना वो गुड़गांव की फैसिलिटी में हैं। 2014 में गुरुग्राम के अंदर आया था ये आईएमएससी ने 2018 में बनाया IFC IUR। अब यहाँ पर यूएसए ने, फ्रांस ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। फिर आसपास के जो देश हो गए, श्रीलंका वगैरह हो गए, है ना, उनमें सर्वेलेंस वगैरह के लिए काम आता है। फिर भारत ने क्या किया, बहुत सारे रडार स्टेशन बनाए हैं श्रीलंका में, मॉरिशियस में, सेशेल, मालदीव्स में, तो उन पे काम कर रहा है इंडिया भी सर्वेलेंस के लिए। इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस आते हैं क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं, है ना, किसी और ने तो ऑलरेडी बना रखा होगा, फिर इंडिया ने और भी जो चीज़ें इस्टेब्लिश की होती हैं उनको रिड्यूस करना, डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, है ना, उसको यूज़ कैसे करेंगे, एक दूसरे पे भरोसा भी तो होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर एथिक्स का भी बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। आप अपनी नैतिकता का इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गलत मिसयूज़ तो नहीं करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इंडिया को भी दूसरे देशों के सेंटर में ना अपना ILO सेटअप करना चाहिए, जैसे USA ने, फ्रांस ने इंडिया में किया हुआ है। तो USA, फ्रांस क्या कर रहे हैं, ये इंडिया से इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने फ़ायदे का काम कर रहे हैं। इंडिया इसी चीज़ को रेसिप्रोकेट कर सकता है, इंडिया भी अपने सेंटर वहाँ सेटअप कर सकता है। सबके साथ मेल झोल से काम करना पड़ेगा, है ना, इन्फॉर्मेशन के कुछ स्टैंडर्ड वगैरह सेटअप करने पड़ेंगे, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और भी कंट्रीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं इंडियन ओशन के अलावा, इसको और लेके आगे लेके जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इसकी सर्वेलेंस जो है ना, जो ताक झाँक है, जो नोक झोंक है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, सब रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग, उसको हम लोग मिलिट्री तक भी लेके जा सकते हैं, है ना, और कुछ हिडन वेसल्स भी होते हैं उन सब के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, उन सबको भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये और बेहतर तरीके से आउटकम देना शुरू कर देगा। ओके, छोटा टॉपिक था, है ना, एंड दिस टॉपिक विल हैव रेलेवेंस विद योर प्रिलिम्स ऑल्सो। मेंस में तो क्या होगा ना कि ओवरऑल इंडिया आप क्वेश्चन बन के आएगा आपका मैरिटाइम सिक्योरिटी पर ही, ठीक है, यहाँ से आपका बनेगा मेंस का क्वेश्चन। बाकी इसमें क्या होगा कि बेसिक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कौन से शहर में है, कौन सी कंट्री का है, वो बनेगा आपका वहाँ से, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑलराइट, तो सिंपल टॉपिक, इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज़ अबाउट इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली जो 7th इंडिया और नेपाल का जॉइंट कमीशन हुआ था ना, उसकी मीटिंग हुई थी काठमांडू में। सो काठमांडू इज कैपिटल ऑफ नेपाल। अच्छा, हिंदी में एक काठ जो वर्ड होता है एक पर्टिकुलर लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इस कमीशन की शुरुआत हुई थी 1987 में। यहाँ से एक और चीज़ सीखो, जब भी बात आएगी ना कमीशन की तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ठीक है, और जब भी बात आएगी काउंसिल की तो वहाँ पर मिनिस्टर्स मिलेंगे आपको। PDF में लिख दिया है, जब डाउनलोड करोगे ना ये वाली तो उसमें मिल जाएगा। तो कुछ 3 एग्रीमेंट्स थे। अच्छा, ये एग्रीमेंट्स याद करने होते हैं, अक्सर ये चीज़ें आपको मेंस में काम आती हैं। अगर मेंस में इंडिया और नेपाल का कुछ आएगा तो रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट हुई हो वो एग्जामिनर के दिमाग में होती है। तो हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट को लेकर के कोऑपरेशन पे काम किया। हमने कहा कि हम अगले डेकेड में, है ना, इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको ना ये थोड़ा पता होना चाहिए कि जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ से आपका कनेक्ट कर देता हूँ, कहाँ ड्रॉ करूँ मैं इसको,
टू अंडरस्टैंड बेसिकली, जैसे कि हम दिल्ली की अगर बात कर लेते हैं ना, अपना जो दिल्ली है ना, दिल्ली ने 2022 में, तो दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, आई थिंक 2.8 CR है पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिल्ली ने 2022 में जो एनर्जी कंज्यूम किया था ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी कंजम्पशन था वो बहुत ज़्यादा था। तो आपको थोड़े से आइडिया लगेगा कि कितनी बिजली की खपत हो जाती है 10,000 मेगावाट में। तो दिल्ली ने 2022 में पूरे साल में किया था लगभग 27,000 गीगावाट का। इतनी बिजली दिल्ली ने ऑलमोस्ट 2.8 करोड़ लोगों ने की थी। तो अभी हमने कहा कि अगले 10 सालों में इंडिया 10,000 मेगावाट भेजेगा, जो कि बहुत ही कम होता है। इसरो नेपाल की एक म्यूनल सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। 1950 में हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, एक माइंड मैप भी है ऑलरेडी जो मैंने प्रेजेंट किया हुआ नीचे, जो UPSC की हैंडी बुकलेट मैंने प्रिपेयर की आप लोगों के लिए, आप उसको थोड़ा समझ सकते हो। उसमें IR तो पूरा ऑलमोस्ट कवर्ड ही है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखो कि 1950 में इंडिया और नेपाल ने एक ट्रीटी साइन की थी इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप की। 2017 में नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो रूलिंग पार्टी बन के आई थी, है ना। तो एक कुछ डेवलपमेंट्स जहाँ दिखा रखे हैं, देन चैलेंजेस क्या हैं दोनों के बीच में, वो भी है माइंड मैप में। कोऑपरेशन कैसे कैसे कौन से एरियाज़ में कर सकते हैं, है ना। तो माइंड मैप से पढ़ना चाहिए वहाँ से ही पढ़ सकते हो। जब हम एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं तो नंबर वन जो हम लोग डायमेंशन बनाते हैं वो बनता है हमारा इकोनॉमी का, दो देशों के बीच की अर्थव्यवस्था कैसे है। तो 2019-20 में $7 बिलियन का हम लोगों ने ट्रेड किया था, और वो ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में भी था। एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था $680 मिलियन का इंडिया के द्वारा। जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है ना, इट्स लिटिल डिफरेंट देन द लोन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए थे। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया, उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होते हैं, सिर्फ आने जाने का नहीं होगा, उसमें मालगाड़ियों का भी होगा, कोई और पैकेज भी पास करना होता है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी लेवल के ऊपर हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें नेपाल बहुत अहम योगदान प्ले करता है, उसका नेपाल का रोल है। हमारे जो इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट से वहाँ पर नेपाल के जो सोल्जर्स होते हैं वो आते हैं। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, वो भी हम इनके साथ करते हैं। फिर हमारा BBIN हो गया, बिमस्टेक हो गया, है ना, जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन SAARC हो गया, ISA हो गया, यहाँ पर भी नेपाल और इंडिया एक साथ है। एनर्जी के मामले में 1971 में हम लोगों ने एक पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट किया था, ये आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर भी, है ना, इन द माइंड मैप ऑल्सो। चलो ठीक है, वो आप देख लेना बाद में। 2023 में हमने पहला एक ट्राई लिटरल का पावर ट्रेड किया था नेपाल से नेपाल के साथ और विद बांग्लादेश ऑल्सो। हाइड्रो पावर कोऑपरेशन पे भी काम किया है। इसके अलावा कल्चर में हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट बनेगा, एक टर्म यहाँ पर यूज़ होता है मधेसी का, ठीक है, मधेसी पीपल आर लाइक, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास जो ना, तो दे आर द नेपाली पीपल, ठीक है, उनको मधेसीज बोलते हैं। तो ये शब्द अगर आ सकता है तो ध्यान रखिएगा। फिर बुद्धिस्ट और रामायण सर्किट को स्वदेश दर्शन में ऐड किया था। फिर एक ऑपरेशन मैत्री चला था, जो वर्ड मैत्री होता है इसका मतलब होता है फॉर सम पीपल हु बिलोंग टू द सदर्न इंडिया, मैत्री वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो ऑपरेशन मैत्री चला था 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था। देन वैक्सीन मैत्री भी, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी चला था उसके हिसाब से भी। दोनों देशों के बीच में कुछ रिलेशंस के इश्यूज हैं। 2020 में एक मैप निकाला था, उसमें नेपाल ने, काठमांडू ने जो बनाया था उसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख, ये ना डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं ऑल थ्री बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो इंडिया कहता है हमारा है, नेपाल कहता है हमारा है। तो उन्होंने मैप में उनको अपना दिखाया था, इंडिया ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया था, इंडिया ने मैप में उनको अपना दिखा रखा था। तो वो एरियाज़ हैं, हम लोगों ने जब टॉपिक पहले एक पर्टिकुलरली इस टॉपिक पर आया था कालापानी पर, तो हमने डिटेल में कवर भी किया हुआ है। चाइना का इन्फ्लुएंस है, देखो भाई नेपाल के पॉलिटिक्स में भी है, और कहीं ना कहीं जो हमारा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी नेपाल इज़ देयर। दोनों में एक थोड़ा सा विश्वास की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंडिया ना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में स्लो है। दिस इज़ लाइक वन वेरी मेजर इशू है, ये मेजर इशू है इंडिया के जियोपॉलिटिक्स में, इंडियन जियोपॉलिटिक्स का। ये सिर्फ नेपाल की कंप्लेन नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंप्लेन रही है कि इंडिया के ना प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बड़ा स्लो होता है। इस मामले में चाइना बड़ा फास्ट काम करता है। तो हमें चाइना से हमारी प्रॉब्लम है, इट्स एन एनिमी कंट्री फॉर अस लाइक पाकिस्तान, बट वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम कि वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में ना बहुत एक्टिवली काम करते हैं। पोरस बॉर्डर्स हैं, यानी कि ऐसी कोई बहुत हार्ड कोर फेंसिंग आपको हर जगह नहीं मिलेगी। इवन आई हैव टच्ड द नेपाल बॉर्डर थ्रू उत्तराखंड, तो वहाँ पर बहुत ओपन में था, मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ आराम से, मैं नेपाल में पैर रख के वापस आ गया था। तो इट्स वर सो सिंपल एंड सो ईजी। गुरखा का इशू ये था कि जब हमारा अग्निपथ स्कीम आई थी तो नेपाल ने कहा था कि हम लोग अपने नेपाली सोल्जर्स को अलाउ नहीं करेंगे गोरखा रेजिमेंट में। 1950 की जो ट्रीटी थी, नेपाल कहता है कि भाई वो काफ़ी रिडंडेंट सी हो गई है ना, और
उसके ऊपर थोड़ा उसको रिज्यूनेट करने की ज़रूरत है। आगे क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे कंटेंशियस इश्यूज़ हैं ना, कंटेंशियस मतलब कि जो डिसएग्रीमेंट वाले इश्यूज़ हमारे, जहाँ जहाँ पर हमारी बातें नहीं बन पा रही है, वी नीड टू वर्क अपॉन देम। हमारे बॉर्डर के डिस्प्यूट मेजरली मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, BBIN, BIMSTEC, SARC का, एंड देन एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। फ्रेंडशिप ट्रीटी को जो हमने देखा कि नेपाल को लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो वी कैन रिविजिट दिस। हाइड्रो पावर के अंदर हम लोग जॉइंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है कि यूनिलेटरल होते हैं, इंडिया अपना बनाएगा और बोलेगा हम बेच देंगे, नेपाल अपना बनाएगा बोलेगा बेच देंगे, तो वाई नॉट वर्क टुगेदर, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो एक बेसिक चीज़ें थी इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि देखो न्यूज़ का तो ये रहेगा कि 3 एग्रीमेंट साइन किए थे, ठीक है। आगे चलते हम इंडिया नेपाल के ना हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन पे ज़रा देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जैसे कहा ना कि 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वहाँ चल भी रहे हैं, वेस्ट सेती और सेती रिवर का। तो इसमें ना आप यू जस्ट रिमेंबर एनी टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो PDF देखोगे तो उसमें याद रहेगा, रिमेंबर एनी टू प्रोजेक्ट्स, दो प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखो, 4 मेंस, जब मेंस में आएगा तो दो प्रोजेक्ट के आप नाम लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा यार इसको पता है। ये थोड़ा नाम अजीब होता है ना, सेती, आप सेती नाम आप रोज नहीं सुनोगे अंटिल और अनलेस आप सेती नदी के पास रहते हो। सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाकाली इजी टू रिमेंबर वैसे तो। तो ये कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के मैप है, किस किस लोकेशन पे है, कितने मेगावाट का है, बट आपको सारे याद नहीं करने हैं। भारत के लिए जो ये सहयोग है उस कितना महत्वता रखता है कि देखो दोनों के रिलेशन इंप्रूव होंगे, है ना। नेपाल के पास वाटर वेल्थ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से हाइड्रो पावर बन सकता है, ठीक है। चाइना का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम होगा अगर इंडिया और नेपाल हाइड्रो पावर के ऊपर कोऑपरेशन करते हैं। चाइना के मामले में चाइना को बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल की एक्सपर्टीज़ मिलेगी, है ना, उनके वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा, और चाइना जब सॉरी नेपाल जो है वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा तो उनको रेवेन्यू मिलेगा खुद के लिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये बेनिफिट होते हैं। हाइड्रो पावर में दोनों को ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारा फ्रेजाइल जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, फ्रेजाइल मतलब बहुत वीक और अनइवन से, और हाइड्रोलॉजिकल डेटा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्स बहुत सारे होते हैं नदियों के अंदर, जो बहुत सारा पत्थर रेत बह के आ रहा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पर, देर आर वेरी लेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, है ना। एंड चाइना का अपना एक कंसर्न होता है, इंडिया बहुत रिलेक्टेंट रहता है कि कोई चाइनीज़ फर्म के द्वारा अगर वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस की जा रही होगी तो हम उसको नहीं परचेज़ करेंगे। फिर नीतियों की अपनी खुद की कमी है ना, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। वाटर शेयरिंग इश्यूज़ होते हैं क्योंकि पानी जो होता है वो डाउनस्ट्रीम वाटर जो बह के आ रहा होता है उसको, अब कभी कभी बाढ़ आ जाती है, नेपाल से बहकर पानी अगर इंडिया की तरफ आता है, बिहार की तरफ, कोसी वगैरह एंड ऑल दैट, गंडक, कोसी, ये सब उस रीजन में पानी बढ़ जाता है जब भी नेपाल में अगर कुछ हैवी रेनफॉल होती है तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कौन लेगा, इंडिया लेगा या फिर नेपाल भी उसकी जिम्मेदारी शेयर करेगा, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है। हम आगे करके सकते हैं ना हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के अंदर, हम लोग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं, देन हाइड्रो पावर को हम लोग एक लॉन्ग टर्म कॉरपोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इन चीज़ों में हम लोग BBIN का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बांग्लादेश, भूटान, इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी नदियाँ जो ऊपर से हिमालय से नीचे की तरफ आ रही होती हैं वो एक पॉइंट पर जाकर के गंगा से मिल जाती हैं आगे, फिर उधर ब्रह्मपुत्रा से, फिर वो सारे का सारा सुंदरबन की तरफ जाता है एग्जिट पे। तो जब सारी नदियाँ आगे जाके कनेक्ट हो जाती हैं, एवरीथिंग फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो व्हाई नॉट कोलैबोरेट, व्हाई नॉट कोऑपरेट ऑन टू दीज प्रोजेक्ट्स। ये सजेशंस हैं जिन पर काम किया जा सकता है। तो सिंपल इजी टॉपिक, इन द टॉपिक नंबर 2.4 वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। तो रिसेंटली 3 डॉक्यूमेंट साइन किए गए थे क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऑफिशियल विजिट किया था दिसंबर 2023 में। तो उन्होंने बात की थी कि मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे कैसे काम करेंगे, उसी चीज़ को लेकर के 2024 से 2028 तक का एक प्रोटोकॉल है उस पे कुछ काम करेंगे। देन जो कुंदन कुलान न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसको लेकर के कुछ MOUs वगैरह साइन किए गए थे। इंडिया रशिया की जो रिलेशनशिप है उसका ज़रा टाइमलाइन देख लेते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब से इंडिया ने रशिया के साथ अपने अच्छे संबंध बना लिए थे, और हमारा जो पहला आर्यभट्ट सैटेलाइट था वो भी रशिया ने लॉन्च किया था, है ना। अभी हमारा जो गगनयान है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो 1988 में कुंदन कुलम का एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। फिर समिट्स होती रही हैं, फ्रेंडशिप कोऑपरेशन की ट्रीटी आई थी 1993 की, जब भी पूरा कोल्ड वार एरा ख़त्म हो गया था। 2021 में पहली बार इंडिया रशिया ने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग किया था ना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जापान के साथ किया है, US के साथ, रशिया के साथ, ये सब चलता रहता है। दिस थिंग्स कीप ऑन डेवलपिंग। मेजर एरियाज़ क्या हैं अगर हम डिफेंस वगैरह की बात करते हैं, तो देखो भारत की मोस्टली डिफेंसिव चीज़ें रशिया से आती हैं। S-400 आया था, ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल दोनों ने मिलकर बनाई है। T-90 टैंक्स हैं, Sukhoi-30 MKI जो हमारा फाइटर जेट है वो है। Sukhoi-30 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं अगर आप लोग उसको देखोगे ध्यान से, तो है ना। AK-203 राइफल्स हैं। अब आपको पता होगा कि AK वाले जो सीरीज़ है ना, हम लोग बोलते हैं ना AK-47, ये सारी की सारी रशियन हैं,
देवला रशियन, इंदिरा करके जो ट्राइलेटरल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल लेवल में जो हमारा NSG है, नेशनल जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और UNSC है, उसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए रशिया बोलता है कि हाँ हम लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया शुड गेट द सीट यहाँ पर ना? फिर दोनों कंट्रीज़ ब्रिक्स में भी हैं, SCO में हैं, INSTC में भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। ट्रेड की बात करें 2021-22 में 13.2 बिलियन का था और अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए फ्यूचर में। ऑलराइट, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हमारा बांग्लादेश का, इंडिया का, इनका एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए। गगनयान में रशिया सपोर्टिंग, सोच के देखो गगनयान वाले चीज़ में नासा का सपोर्ट क्यों नहीं है हमारे पास? ऑफ़र तो किया होगा उन्होंने भी, क्योंकि उनको पता कि पैसा तो आएगा और इंडिया के साथ काम करना भी है। फिर इसके अलावा हमारा जो रशिया इंडिया नेटवर्क है यूनिवर्सिटीज़ का, आर्कटिक और एंटार्कटिक रिसर्च है, यहाँ पर भी कोऑपरेशन चलता रहता है दोनों देशों का। जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है डिफेंस सप्लाईज को लेकर के, क्योंकि USA का एक एक्ट है, उसको बोलते हैं काट्सा। उस एक्ट के तहत ना USA क्या बोलता है कि जो US की जो एनिमी नेशन है, खास करके जैसे ईरान हो गया, ठीक है, और रशिया हो गया, एंड नॉर्थ कोरिया हो गया, तो अमेरिका बोलता है कि आप अगर इन तीन कंट्रीज से या फिर और भी जो उनकी एनिमी कंट्रीज है, मेजरली तीन है, तो अमेरिका ने कहा कि आप इन तीन कंट्रीज से कोई भी डिफेंस डील नहीं करोगे, अगर आप करोगे तो हम आपके ऊपर सेंक्शंस लगा देंगे। तो इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ था, USA ने कहा था कि आप लोग S-400 खरीद रहे हो इंडिया वालों, तुम लोग रशिया से ले रहे हो, हम तुम्हारे पर सेंक्शन लगाएंगे, लेकिन इंडिया को यहाँ पर सेंक्शन नहीं लगाए गए थे। अमेरिका बाकी देशों पर लगा देता है, लेकिन इंडिया को एक्सेप्शन दिया गया था। वो कह रहा है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एट्सेट्रा। फिर विश्व का पूरा एक ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। US और चाइना की जो राइवलरी है ना, वो एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, और इंडिया रशिया का विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया चाहता है कि हमारी भी एक प्रेजेंस हो जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाए। एक नेचुरल इंक्लिनेशन बनता है वेस्ट की तरफ इंडिया का, जिसके कारण रशिया के साथ वो रिलेशन बिगड़ता है, क्योंकि ना जो वर्ल्ड में इंडिया बिकॉज डेमोक्रेसी है, और वेस्ट की तरफ अगर हम अमेरिका की बात करते हैं और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ डेमोक्रेसी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए रशिया कौन सा स्टेट में है। तो अगर हम बात करते हैं कि रशिया का, तो रशिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1993 का, उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, फेडरेटिव हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रशिया के अंदर ना एक अथॉरिटेरियन टर्न आया था, कब से, 2000 से और 2008 तक, जब यहाँ पर पुतिन का रूल था ना, तब से एक टर्न आ गया था। संविधान में इनके यही लिखा हुआ है, ओके। तो 2022 में भी एक कंट्री की रिपोर्ट्स आई थी ह्यूमन राइट प्रैक्टिस पर, उसमें भी रशिया को काफ़ी सेंट्रलाइज और अथॉरिटेरियन बताया गया था। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करते हैं, तो 2022 के अंदर हम लोगों को पता कि ऑयल परचेज के बारे में बात आई थी, है ना, और आपको पता होगा कि जो रशिया एंड यूक्रेन का जो चल रहा था पूरा मैटर, अभी भी चल ही रहा है वो, उसमें भी इंडिया ने एक साइड यूक्रेन को सपोर्ट दिखाया था, एक साइड इंडिया ने रशिया को भी सपोर्ट दिखाया था, क्योंकि इंडिया किसी से दुश्मनी रखना नहीं चाहता। इंडिया देख रहा था कि हाँ, सिविलियंस को नुकसान नहीं होना चाहिए और डायलॉग से ही चीज़ों को सॉल्व किया जाना चाहिए, बट इंडिया को अपने बाकी रिलेशन भी देखने होंगे ना। इंडिया को ऑयल वाला फैक्टर भी देखना होगा, इंडिया को एनर्जी का देखना है, इंडिया को चाइना की राइवलरी के साथ भी देखना है, कई सारे फैक्टर देखने हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया और रशिया के इशूज़ आते रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं ना, कि हम लोग रादर देन डिपेंडिंग अपॉन ओनली ऑन देम, हम दोनों मिलकर के जॉइंट डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ब्रह्मोस जो था, ठीक है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर के बनाई थी, तो ब्रह्मपुत्रा से, और वहाँ पर मॉस्को एक रिवर का भी नाम है, एक नदी का भी नाम है, मॉस्को शहर भी है जो रशिया का कैपिटल है, तो दो नदियों के नाम पर मिलकर बनाया गया था। तो ऐसी चीज़ों पर और काम कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि नियमों से चलता हो, रूल बेस्ड, है ना, कानून से, नियमों से, उसकी तरफ दोनों बढ़े मिल करके। ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। रिसेंटली 500 प्रोडक्ट के ऊपर काम किया गया था, बड़ा अच्छा स्टेप था कि इनमें एक नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, उसमें कुछ पुरानों को रिजुविनेट किया गया था। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है ट्रेड वगैरह में। एंड जो चेन्नई और जो व्लादिवोस्तक है ना, अगर आप देखोगे कि पूरा का पूरा रशिया मान लो ऐसे है ना, तो यहाँ पर एक ईस्ट में एक पॉइंट आता है, यहाँ पर बनता है व्लादिवोस्तक, वो थोड़ा सा इट्स क्लोज टू जापान ऑल्सो, जापान के पास पड़ता है। तो इंडिया नीचे चेन्नई से एक रूट लेके जाएगा, हमारे भारत के चेन्नई इसी तरह से घूमता हुआ पूरा, और व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करेगा। ये मैरीटाइम रूट है एक, ठीक है। इंडिया ने कुछ समय पहले यहाँ पर एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था इसको, व्लादिवोस्तोक में एक समिट हुआ था उसके लिए। सो दीज आर द प्लेसेस जिसके ऊपर एक जो प्रपोज सी रूट है, इसको और अच्छे से करेंगे तो काम होगा।
एंड देन इसके अलावा कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम करना, ग्लोबल पीस स्टेबिलिटी पे, दीज आर द कॉमन एरियाज जहाँ पे दोनों देश मिलकर के काम कर सकते हैं। सो इंडिया रशिया वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में आ भी चुका है पहले और आगे भी आएगा, इस तरह के टॉपिक रिपीट हो जाते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, ये कुछ कुंदन कुलन के बारे में, कौन से ईयर में स्टार्टिंग हुई थी और उसको भी आगे फर्दर और रिज्यूमिनेट किया गया है ना, कॉपरेशन इन फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर, ये भी साइन किए गए थे। सिंपल टॉपिक, ईजी टॉपिक। नाउ विल रीड अबाउट इंडिया एंड इटली रिलेशंस। तो रिसेंटली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का एक एग्रीमेंट था, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ट्रेवल से और स्टे से संबंधित एक समझौता किया है भारत ने और इटली ने। तो अब भारत के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो इटली में जाते हैं, वो एक साल तक वहाँ एक टेम्परेरी रेजिडेंस के तौर पर रह पाएंगे, जब भी उनका कोई अकेडमिक कोई पढ़ाई वढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगी। और जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनके लिए कोटा मिलेगा, ठीक है, 2023-24-25 तक एक एग्रीमेंट है, ये 5 साल तक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। इस तरह के जब एग्रीमेंट्स बनते हैं तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ता है ना, और जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ओपन हो जाती हैं, और जो भी इरेगुलर तरीके से माइग्रेशन हो रहा होता है वो फिर बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। 1947 के बाद इंडिया और इटली ने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए थे। अभी 2023 के अंदर G20 जो मार्च में 2023 में इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो थी, शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया रायसेना डायलॉग में, और 2021 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पहली बार एक ऑफिशियल विजिट किया था इटली में। इटली जो है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और 2022-23 में $14.25 बिलियन का हम लोगों ने वहाँ ट्रेड भी किया था। डिफेंस के मामले में हमारे पास मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप है, एक फोरम है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने मार्च 2023 में भी बात की थी दोनों कंट्रीज़ ने, एंड रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वहाँ से इटली ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। तो अब इंडिया तो चाहता ही है कि भाई जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट ना बने, क्योंकि वो चाइना इंडिया का राइवलरी है इसलिए। फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि ये वसनार अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, ये तो दोनों चीज़ें हैं ना, ये आपके प्रीलिम्स में पहले आ चुके हैं, तो मैं इन पर लिख भी देता हूँ, जब आप PDF में देखोगे तो ये PYQs हैं आपके प्रीलिम्स के, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप तो 2 बार पूछ चुके हैं शायद। तो हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन दे भी देता हूँ आपको। तो दिस अरेंजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ये 1996 का है, ऑलराइट। और इसमें जो मेजरली बात की गई थी ना, तो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम के बारे में बात की गई थी। एक ऐसा हल्का छोटा सा अगर कुछ कंटेंट लिखा होता ना, जब आप रिवाइज़ करते हैं आपके लिए इजी हो जाएगा। तो उन्होंने बेसिकली बात की थी, और इसका अगर उसकी बात करें, सेक्रेटेरिएट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑस्ट्रिया में है इसका, अगर हम कैपिटल लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अंडरस्टैंड कि सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया जो ग्रुप है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये भी एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है, ये बात करता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन की प्रोलीफरेशन को लेकर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन प्रोलीफरेशन, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो और ख़ास करके कब, जब ट्रांसशिपमेंट्स की बात हो रही होती है, ट्रांसशिपमेंट्स में TRANSSHIP, हाँ इस तरह से होती है ना स्पेलिंग, सही तो याद आ रही है ना मुझे, यस। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है, ये 1985 में बनाता है पहले, भी थोड़ा सा पुराना है। तो जो चीज़ PYQs में आ चुकी है उसके दोबारा से आने के चांसेस होते हैं। एक ब्लू रमन प्रोजेक्ट भी है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि इंडियन ओशन और जो मेडिटेरेनियन रीजन है ना, इनमें सबमरीन केबल डाली जाएगी। इनके अलावा देखो टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे एक एग्रीमेंट है साइंस एंड टेक के ऊपर, है ना, वी हैव ITPAR, इंडियन टेरेंटो प्रोग्राम है एडवांस रिसर्च का, देन स्पेस में वी हैव इटालियन स्पेस एजेंसी और इसरो मिलकर काम करते हैं। डायस्पोरा की बात करते हैं, जो भारतीय लोग कितने रहते हैं, तो वी हैव मैनी, है ना, थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी पाई जाती है इंडियंस की यूरोप में, UK के बाद में। फिर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंडियंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इसमें इंडिया फ्रांस का इनिशिएटिव है, देन IMEC जो नई चीज़ आ रही है, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, GBA है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रिसेंट का है। तो अगर आप देखोगे ना इन रिसेंट वाली चीज़ों में भी इनके पार्टिसिपेशन, इनका कोऑपरेशन अभी देखने को मिल रहा है। दोनों के जो इश्यूज़ आते हैं मेजरली ट्रेड को लेकर के ही आते हैं, हम लोगों ने देखा था ना ऊपर $14.25 बिलियन की ट्रेड थी, तो दिस इज़ समथिंग जिसको और बेहतर किया जा सकता है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कहाँ पर कंट्रीज जाती हैं। ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं, यानी कि दो ऐसे केस हैं, बड़े ही पॉपुलर केस हैं, मैं आपको हल्का हल्का इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जो ये इटालियन जो मरीनर वाला जो केस था ना, इस केस में बेसिकली हुआ क्या था,
ये मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, ये 2012 का था, 2012 का एक केस था। दो इटालियन मरीन्स जो थे ना, उन्होंने एक इंडिया के एक वेसल के ऊपर फायरिंग की थी, इसके कारण भारत के दो मछुआरे मर गए थे। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये हुआ था इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। और इन दोनों मरीन को, तो इटालियन जो मरीन थे ना, इनको भारत की पुलिस ने पकड़ लिया था। इंडिया ने फिर इनके ऊपर चार्जेस लगाया कि आपने मर्डर किया था, लेकिन इटली ने बोला कि इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और आप इनको भारत के जो कोर्ट है ना, वहाँ पर इनका मुकदमा नहीं चला सकते। फिर ये जो कोर्ट, ये तो केस है, ये गया था पीसीए में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वहाँ पर गया था, ठीक है। तो उसने इटली के फेवर में रूलिंग दी थी, ठीक है। अब पीसीए को लगा था कि जो मरीन्स थे ना, वो अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे थे और इंडिया के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है उन पर मुकदमा चलाने का। तो पीसीए की जो रूलिंग थी वो भारत के लिए एक बड़ी काफ़ी एक झटके वाली चीज़ थी, है ना। तो इंडिया ने बोला था कि आप इटली को एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए। लेकिन हुआ ये भी था, इस केस के सॉल्व हो जाने तक तो ना बहुत प्रॉब्लम थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। द मोमेंट एक केस सॉल्व हुआ था ना, इंडिया और इटली के रिलेशनशिप एक्चुअल में इंप्रूव हुए, ठीक है। तो ये एनरिका लेक्सी केस होता, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, इसमें मैं लिख देता हूँ, या लिखा नहीं होगा शायद, इसको हम लोग बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट, क्योंकि वो जो शिप जो था ना जिसमें वो मरीन्स थे, उनका वो शिप का नाम था एनरिका लेक्सी। काफ़ी पॉपुलर केस है ये, मैं पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। एक आता है ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का एक स्कैंडल हुआ था, तो ये भी बहुत पॉपुलर है, ये करप्शन का केस था, ठीक है। इसमें इटालियन कंपनी जो थी ना, तो एक इटालियन कंपनी जिसका नाम समथिंग फिन मैकानिशा समथिंग करके है, उसका एक फर्म है, यूके फर्म, उसका एक यूके ब्रांच है ऑगस्टा वेस्टलैंड। इंडिया ने उनके साथ एक 12 हेलीकॉप्टर की डील करी थी, 12 हेली की डील हुई थी कि भाई हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करेंगे उन सबको, है ना। तो 2014 में ये स्कैंडल के आसपास पकड़ा गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डील को कैंसिल कर दिया था 2014 के आसपास। केस ही अभी भी चल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टिल ऑन गोइंग केस, ये केस अभी भी चल रहा है। तो बहुत सारे लोग इनको अरेस्ट भी किया गया, और तो इसको बोलते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील, तो जो वीवीआईपी चॉपर स्कैम भी बोलते हैं इसको। तो ये एक ब्राइबरी का स्कैंडल था, ये पता चला था कि इसमें जो डील हुई थी ना, कुछ समथिंग 3500 या 3600 करोड़ के आसपास की डील हुई थी 12 हेलीकॉप्टर के लिए। तो पता चला था कि किसी ने बीच में पैसा खाने की कोशिश की थी। ऐसे कुछ मुद्दे हुए हैं, इसलिए इंडिया और इटली के रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम भी आई थी। देन एक जो इंडिया इटली जापान का ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है, वो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया है, ये एक प्रॉब्लम है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो हमको ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, हमने देखा कितना कम है, 15 भी नहीं है, $20 बिलियन तो कम से कम हो। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जब पार्टनरशिप मजबूत होगी तो दोनों में आपस में चीज़ें इंक्रीज़ हो ही जाएंगी। फिर दोनों का ग्लोबल एजेंडा शेयर होना चाहिए, खास करके जो ऐसे मुद्दे हैं, मल्टीलेटरल इशू, जैसे क्लाइमेट चेंज ही हो गया ना, शिपमेंट वाला हो गया, मरीन सिक्योरिटी हो गया। कलिनरी एक्सचेंज की अगर बात करते, देखो आपको पता होगा, यू ऑल हैव कंज्यूम इटालियन पास्ता एंड पिज्ज़ा, है ना। एंड नॉट जस्ट दिस, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपको पता होगा कि इटालियन टाइल्स भी होती हैं, फ्लोर टाइल्स वगैरह भी होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन इंडिया, है ना। तो नॉट जस्ट कलिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें, लॉजिस्टिक्स, ये भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं। इन चीज़ों का ट्रेड में जब काउंट बढ़ता है ना, तो इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज़ होती है और वो रिलेशन को मजबूत करने में मदद भी करती है। सिंपल टॉपिक, ईजी टू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 2.6, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जेनोसाइड कन्वेंशन को लेकर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उनकी एक रूलिंग आई थी साउथ अफ्रीका के जो जेनोसाइड केस था उसके ऊपर। जो वर्ड जेनोसाइड था, इसको पहली बार एक पॉलिश, यानी कि पोलैंड के एक लॉयर थे, रेफेल लेमकिन, उन्होंने कॉइन किया था। देखो, जो वर्ड जेनोसाइड होता है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई भी अपराध आपने किया हो जिसमें चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो पूरे तरीके से, नेशनल लेवल पर, एथनिक लेवल पर, रेशियल लेवल पर। नाउ दिस वर्ड साइड, इस शब्द का मीनिंग होता है टू किल, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा ना, सुसाइड, देन रेजिसाइड और पेस्टिसाइड, ठीक है। तो सुसाइड में क्या होता है, सेल्फ को किल करना, रेजिसाइड में आई थिंक किंग का होता है, है ना, पेस्टिसाइड में जो पेस्ट होते हैं उनको किल करना। तो द वर्ड साइड मीन्स किल, एंड जेनो का मतलब रहता है कि पूरा का पूरा, होल एवरीथिंग, लाइक यू कैन से कि होल जनरेशन कह लो, ये ज्योग्राफिकल से मुझे इसका रूट वर्ड का नहीं पता है, बट मैं आपको कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कन्वेंशन है, उसका नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑन पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, 1948 में बनाया गया था, और ये पहली ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी है जो यूएन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करी थी, ठीक है जी। इंडिया ने इसको साइन भी किया हुआ, इंडिया ने इसको रेटिफाई भी किया था। तो
इसके ऊपर इंडिया ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया देखो, लेकिन इंडिया ने उसको रेटिफाई ज़रूर किया गया था। तो जो भी इसके केसेस होते हैं ICJ जो है वो सारे केसेस के सुनता है। अब दोनों में हमें डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, ICJ में और ICC में। पर पहले ये जानो कहानी क्या है। साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली केस किया था इसराइल के ऊपर कि भाई जिस तरीके से आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हो ना गाज़ा के अंदर, ये जो कन्वेंशन है इसको वॉयलेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो ICJ ने बोला कि ठीक है इसराइल को कुछ मेजर्स लेने चाहिए, इस तरह के जेनोसाइडल एक्ट्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी, ICJ ने ये भी नहीं कहा कि आप सीज़ फायर कर दो। सीज़ फायर मतलब यू स्टॉप द फायर। सीज़ वर्ड जो होता है ना इस सिंपली मीन्स टू स्टॉप द फायर। कुछ लोगों को लगा कि मैं इतने बच्चों वाले शब्दों के सामने ऐसे क्यों लिख देता हूँ अर्थ इन वर्ड्स के मीनिंग, तो कभी कभी लिखना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो नए होते हैं, समटाइम्स सम वर्ड्स आर न्यू फॉर पीपल। तो उन्होंने इसराइल को गिल्टी भी नहीं माना, भी दोषी भी नहीं माना है ICJ ने। नाउ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स, वो क्या चीज़ है वो है, हमें ये पढ़ना पड़ेगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ICJ के में और ICC में। तो एक बनाया था 1945 में, ठीक है। तो ये पहले बना था तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम मान के चलो इसको थोड़ा सा। एक 1998 में बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के हेडक्वार्टर सेम जगह पर हैं, ठीक है। ये UN का एकमात्र ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है। और सिंस ये UN का पार्ट है तो इंडिया इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। और अभी इसमें 15 जज हैं ICJ के अंदर, उसमें से एक जज इंडियन भी है। कौन सी भाषाएं बोली जाती है? इंग्लिश और फ्रेंच। भाषाओं से मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। UN की लैंग्वेजेस कौन सी हैं? UN के जनरल असेंबली में कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? उनका नाम होता है फ्रेस्का, उसका निमोनिक है FRESCA। तो इट्स फ्रेंच, फ्रेस्का एक ड्रिंक होती है ना, तो उस निमोनिक को ऐसे याद रखना, फ्रेंच है। देन वी हैव रशियन, देन वी हैव इंग्लिश, ऐसे सवाल आ जाते हैं प्रीलिम्स में। देन वी हैव SC स्पेनिश, देन वी हैव C से चाइनीज़, क्योंकि पॉपुलेशन जब ये रखा गया जिस पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और A से अरेबिक। तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आपको ऐसे और भी निमोनिक्स चाहिए हो ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है निमोनिक, ठीक है, मोर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, वो भी देख सकते हो, ठीक है। ऊपर चलते हैं अपने डिफरेंस के ऊपर दोबारा फर्दर। तो थोड़ी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ICC के अंदर ना हम लोग 123 कंट्रीज़ ने इसका पार्ट किया हुआ है। ये सिर्फ वो वाले क्राइम्स को कवर करता है जो 1 जुलाई 2002 के बाद होते हैं, ठीक है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही जा सकती है कोर्ट के अंदर, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई NGO वगैरह नहीं जा सकती कोर्ट के अंदर। इसका जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है, ठीक है, विदाउट अपील, और बाइंडिंग भी होता है, ठीक है। इनके पास अपनी खुद की कोई पुलिस फोर्स नहीं होती, इसलिए वो जो दूसरे देश होते हैं उनकी पुलिस फोर्स पर थोड़े से डिपेंडेंट भी होते हैं। बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है यहाँ पर जेनोसाइड कन्वेंशन की, उन्हें याद रखिएगा। नाउ वी हैव अ टॉपिक, बेसिकली एक रिपोर्ट है, ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर। सो व्हाट इज़ दिस ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर? ये जो शब्द बैरोमीटर होता है, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, एयर प्रेशर को मेजर करता है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें कुछ मेजरमेंट की बात की जाएगी। मैकिन्जी एंड कंपनी, ये एक कंसल्टिंग कंपनी है, आप लोगों ने नाम बहुत सुना भी होगा, कुछ लोगों ने शायद यहाँ जॉब की भी होगी, कुछ लोग आप में से शायद इसमें जॉब करोगे फ्यूचर में। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप पे तीन आती है ना, मैकिन्जी, बेन और BCG समथिंग, ऐसे दो तीन कंपनीज हैं। तो ये दो तीन कंपनियाँ हैं, बॉस्टन, बेन और मैकिन्जी, जो वर्ल्ड की तीन टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की कंपनीज हैं। तो जैसे फाइनेंस एंड ऑडिटिंग में जो वो चार आती है ना, बिग फोर बोलते हैं इनको हम, कौन सी बिग फोर? वन इज़ EY, देन वी हैव डेलॉयट, देन KPMG और PwC। ऐसा कोई किसी वर्ल्ड ने कोई टैग नहीं दिया किसी कंपनी ने, उन्हें आपस में डिसाइड कर रखा है कि हम बिग फोर हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मैकिन्जी के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें वो लोग देखना चाहते हैं कि 5 डायमेंशन पर किस तरीके से काम हो रहा है, ग्लोबल डेवलपमेंट पर क्या काम हो रहा है ना। तो 2012 से 2022 तक कुछ चीज़ें मेजर की गई थी। 5 पिलर्स हैं ग्लोबल कोऑपरेशन के, पूरे विश्व में सहयोग किस तरीके से काम करता है, ट्रेड कैपिटल में, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, नेचुरल कैपिटल, हेल्थ एंड वेलनेस और पीस एंड सिक्योरिटी में। तो कुछ इन्होंने स्टेटमेंट्स दी। अब आपको क्या करना होगा ना यहाँ पर इस टॉपिक में ना, यू हैव टू पिक स्टेटमेंट्स फ्रॉम हेयर एंड यूज़ देम इन मेन्स, ठीक है। उनको मेन्स में आपको यूज़ करना होगा और पुट WEF फॉर रेफरेंस कि भाई एज़ पर द WEF की रिपोर्ट ये वाला स्टेटमेंट है,
तो ये मैंने स्टेटमेंट आपके लिए कुछ ना हाईलाइट भी कर दिए हैं। जैसे ट्रेड एंड कैपिटल के मामले में उन्होंने कहा कि इट हैज़ ग्रोन थ्रू द पैंडमिक डिसरप्शन, बट 2023 में ट्रेड वगैरह स्लो भी हो गया था। तो आप सिंपल लिखो कि एज़ पर WEF बैरोमीटर रिपोर्ट जो ट्रेड था ना वो 2023 में स्लो हो गया था। क्लाइमेट और नेचुरल कैपिटल के बारे में आप लिख सकते हो कि जो नेट जीरो की जो कमिटमेंट्स थी है ना प्राइवेट सेक्टर की, वो थोड़ी सी बढ़ी हैं, प्रोलिफरेट हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स आ गए थे, जैसे ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस आ गया था। पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में 2016 से जो कॉपरेशन था ना पीस एंड सिक्योरिटी का, वो गिर रहा था, लेकिन रिसेंटली वो दोबारा से रिजुविनेट भी होने लगा था। हेल्थ एंड वेलनेस में मुझे कोई स्टेटमेंट ना मिला नहीं इसमें, बट ये एक स्टेटमेंट जो दिख रहा है जो आप लिख सकते हो कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो पहली बार इंक्रीज़ हुए हैं पिछले 30 सालों में, ये काफ़ी सेंसिबल इशू भी है। एंड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में तो जो क्रॉस बॉर्डर पेटेंट्स थे वो थोड़े से कम हुए हैं पिछले 10 सालों में, ये मुझे वैल्यूएबल पॉइंट लगा नहीं, बट कुछ नहीं है तो आप लिखने के लिख सकते हो। बट इस तरह के टॉपिक के अंदर आपको स्टेटमेंट पिक करना आना चाहिए, ठीक है, और उसको मेंस में कैसे यूज़ करोगे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप रेफरेंस में कैसे रखोगे। रिपोर्ट ने कुछ सजेशंस भी दिए थे कि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल कोऑपरेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि कुछ एवेन्यूज़ निकालो, कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट बनता है ना, ग्लोबल कनेक्शंस बनाओ, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ पे काम करो, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने जो बताई थी ना यहाँ पर वो थी कॉम्पिटिशन, ये जो एक नया शब्द है यहाँ पर, ठीक है, कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन भी एक टर्म होता है जहाँ पर अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कंपनीज काम करती हैं, इवन चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हों। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मान लो जियो हो गया और एयरटेल हो गया, ठीक है, अब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। एयरटेल चाहता है कि भाई मेरा बिज़नेस अच्छा चले, जियो चाहता है कि मेरा बिज़नेस अच्छा चले, बट एक जगह पर ये कोऑपरेशन पे भी काम करेंगे, यानी कि दोनों चाहेंगे कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहे, इंडिया के अंदर 5G का बेस इंक्रीज़ हो, दोनों चाहेंगे ना, तो उस सेक्शन में इनको बोलेंगे दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो कोऑपरेशन और कॉम्पिटिशन दोनों को मिला करके बनाया गया ये शब्द, ये बड़ी सुंदर चीज़ है ना यहाँ पे आपको जानने को मिली। सिंपल टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया इसमें से क्या चूज़ करना है ताकि आपका समय बचे। अब हम लोग अपने इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पर आ गए। मैंने आप लोगों को एक चीज़ पहले बता दी थी इस वीडियो में कि इस मंथ से मैंने नई चीज़ स्टार्ट करी है। अगर आप ये PDF डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करोगे ना, तो आपको क्या क्या हाईलाइट में मिलेगा, जैसे ये है ना, ये येलो वाला है, ये रेड कलर की स्ट्रेट लाइंस, ये आपको मिलेंगी जैसे मैं पहले पुटअप करता था। बट आप देखोगे मैंने ये बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं स्टार्ट कर दी हैं, है ना, कुछ बॉक्सेस बनाए, ये चीज़ें स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। अगर आपको ये लिखे वाला भी चाहिए PDF, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको एडमिन यानी कि मेरे से डायरेक्टली PDF की डिमांड करनी पड़ेगी। तो मैं उन्हीं लोगों को दूंगा क्योंकि सबको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिनको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में जो लिखी हुई होती है ना, इफ़ दे नीड दीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, तो ये उन लोगों को मिल जाएगी, पर ये आपको पर्सनली डिमांड करनी पड़ेगी, नॉर्मल हाईलाइट वाली आपको नेचुरली मिल जाएगी। ओके, तो चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट वाले सेक्शन पर अपने, है ना, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है जी। अंगोला विड्रॉज फ्रॉम दी OPEC। ओके, अभी OPEC क्या है पहले तो अपने को यही जानना पड़ेगा। OPEC ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी कंट्रीज़ की है। 1960 में इसको बनाया गया था। एक OPEC प्लस भी है, ठीक है, उसमें 10 और जो ऑयल एक्सपोर्ट वाले कंट्रीज़ हैं जिसमें रशिया भी आता है, तो इसमें और भी जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब हैं। ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो वर्ल्ड का मोर देन 80% जो ऑयल वगैरह है ना, क्रूड ऑयल, वो इन कंट्रीज़ के पास होता है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो अंगोला जो था वो इसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो कंट्रीज़ है ना, ये मिल्स करके ना क्रूड ऑयल का प्राइस डिसाइड करती हैं, ठीक है, मेजरली जो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑयल स्पॉट प्राइस और फ्यूचर का भविष्य में डिसाइड करते हैं। यहाँ से प्रिलिम्स का एक आपका PYQ बनता है जो पहले आ चुका है, WTI का, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, आई थिंक कब आया था, 2020 या 21 के आसपास आया था, कुछ समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन आया था जब कोरोना चल रहा था ना, 2020 में आया था मेरे हिसाब से, वो एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम डिले किया गया था UPSC ने, अक्टूबर में किया था, तो तब ये क्वेश्चन आया था क्योंकि वो नेगेटिव में चले गए थे प्राइसेस। और ये पहले एक बार आ चुका, तो दो बार आया ये बेसिकली। UN स्टेटिस्टिकल कमीशन, तो UNSC से एक और जो चीज़ बनती है वो है UN का सिक्योरिटी काउंसिल, उससे कन्फ्यूज़ मत होना। UNSC 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था। ग्लोबली जो स्टेटिस्टिकल सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स है ना जो सर्वे वगैरह बनाती है, तो उसमें पूरे वर्ल्ड का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब पे काम करता है। तो इंडिया ने रिसेंटली इसकी मेंबरशिप ली है 4 साल की। हेग
अपोसल कन्वेंशन 1961 का है। अलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई भारत के लोगों को ना फॉरेन अपोसल ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से ना जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना इन सबको आपस में हमें शेयर वगैरह करना चाहिए, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन का वहाँ बनाए जाते हैं। ईरान ने रिसेंटली रिटेलिएट किया था और इंडिया के इंटरेस्ट को लेकर भी, तो ये सब देखो जाने की कोशिश करते हैं क्या है ना। ये देखो ये ईरान है अपना, ठीक है, ईरान है और ये है अपना सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ईरान में शिया मुस्लिम्स मिलेंगे आपको, ठीक है, सऊदी अरेबिया मिलेंगे आपको सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं ना इनका आपस में कुछ कभी कभी टकराव भी होते रहता है। ईरान के अंदर ये जो एक एरिया है ना इसको बोलते हैं करमन एरिया, ठीक है। यहाँ पर इस्लामिक स्टेट ने बोला कि यहाँ पर जो कुछ डबल सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी ना उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इस बात के लिए ईरान ने कुछ रिटेलिएशन किया था सीरिया में, इराक में, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इंडिया के कुछ इंटरेस्ट हैं उनको जानते हैं वेस्ट एशिया में, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट बनता है, हमारा बहुत सारा डायस्पोरा रहता है यहाँ पर, हमें 18% रेमिटेंस भी आता है। कनेक्टिविटी वगैरह की अगर बात करते हैं तो INSTC रिसेंटली पढ़ा था रशिया वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। अभी नया बन रहा है IMEEC, और एनर्जी के मामले में 80% जो ऑयल आता है हमारा इस रीजन से आता है, तो इस तरीके से बनता है। ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, दिस पोर्शन यहाँ से एक मेंस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड हियर। आई थिंक ये लिखने वाला जो आइडिया मेरा है ना ये सही काम आएगा आपको इस PDF में, आपको भैया बाद में देखते हो याद आएगा कि अच्छा इस टॉपिक से एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल UPSC पूछ लेगा इंडिया के इंटरेस्ट क्या क्या है वेस्ट एशिया में, फिर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। UAE और इंडिया का एक CEPA काउंसिल है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो 2022 में शुरुआत की गई थी इसकी, है ना। बायलेटरल ट्रेड को हम लोगों ने इंक्रीज़ किया है 15% जब से ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। और UAE इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आपने एक चीज़ देखी, सबसे पहले आता है हमारा चाइना, देन वी हैव USA, देन वी हैव UAE, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, रिमेंबर दिस, इसको याद रखो, ये ट्रेडिंग पार्टनर की सीक्वेंस याद रखनी होती है आपको ये 2022-23 के लिए। हेनले का एक इंडेक्स आया है, वो पासपोर्ट के बारे में बताते हैं। नंबर वन पे बहुत सारी कंपनीज है इस बार, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, ये सब के सब नंबर वन पे हैं। इंडिया की रैंक 80th है, यानी कि वीज़ा फ्री एक्सेस हम लोगों को 62 कंट्रीज़ में मिल सकता है। ये जो कंट्रीज़ है ये बहुत सारे देशों के साथ इनके अच्छे एग्रीमेंट हैं, इनको वीज़ा फ्री एक्सेस दूसरे देशों में बहुत आसानी से मिल जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में नई चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि ये PDF अगर आपको ये वाली चाहिए होगी तो जब चारों वीडियोस अपलोड हो जाएंगे उसके बाद मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप याद दिला देना, मैं सबको पर्सनली शेयर करूँगा। ओके, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसलिए पोस्ट नहीं करना चाहता, लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो जिसको चाहिए वो पर्सनली ले लो मुझसे। बाकी मैंने बोला था टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, कुछ दिनों में एक मेडिटेशन वाला सेशन प्लान हो रहा है, ठीक है, जैसे ही होगा मैं ग्रुप पर लिखूँगा, वो 2 या 3 दिन के लिए ही ओपन होगा, ठीक है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा एंट्री, और उसमें बीच में एंट्री नहीं कर सकते, स्टार्टिंग फर्स्ट डे से एंट्री करनी होती है। और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है मेडिटेशंस की, प्राणायाम्स की, है ना, तो कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे, जितना हो सकता है हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे।